हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी तो कक्षा बारह राजनीति विज्ञान का जो दूसरी पुस्तक हम देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसका जो पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां देखिए पूरा राजनीति विज्ञान आपका दो भागों में है एक समकालीन विश्व राजनीति जिसको ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया अब यानी कि पूरी दुनिया की राजनीति की चर्चा की और इस किताब में हम भारत की राजनीति विशेष करके आजादी के समय से करेंगे जिसका पहला चैप्टर है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां यानी चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग जब देश आजाद हुआ उस समय भारत के समक्ष क्या चुनौतियां आई क्या विचारधारात्मक परेशानियां थी क्या रास्ता हमने अपनाया और कहां पहुंचने का प्रयास किया इसकी चर्चा हम इस चैप्टर में करने वाले बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ही ज्ञानवर्धक है जिसमें इतिहास भी है राजनीति भी है अर्थशास्त्र भी है और आपकी समझ को देश के बारे में विकसित करने के लिए एक आधार बनाने में बेहद सहायक है तो इस वेरी मच इंटरेस्टिंग चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं और एक बार में इस चैप्टर को समझेंगे तो कहीं जाइएगा नहीं बने रहिएगा पर हां इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेस जहां आपको यह शिक्षा मिल रही है वो अपने क्वालिटी एजुकेशन और फ्री क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बिना किसी शुल्क को अदा किए बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सारी की सारी पढ़ाई यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एनसीआर पैटर्न पर आप कर सकते हैं आप हिंदी माध्यम में सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यह मुहिम जो शिक्षा की चल रही है इससे जुड़ते जाइए और अपनी पढ़ाई को बेहद आसान बनाते जाइए तो आइए अब एक बेहतरीन और और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करते हैं हैं सबसे पहले देख लेते कि भाई आखिर इस चैप्टर में हम देखने क्या वाले हैं यानी क्या क्या वो महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ये कर लेना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि अगर चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती तो राष्ट्र निर्माण है क्या जिसको हम बोलते हैं नेशन बिल्डिंग नेशन बिल्डिंग भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वॉट एग्जैक्टली इज नेशन बिल्डिंग क्या है मतलब नेशन बिल्डिंग का राष्ट्र क्या है और फिर उस राष्ट्र का निर्माण क्या है कोई घर है क्या जिसमें ईटे और गारा लगा के निर्माण करना है कोई भावना है क्या किसी आदमी की राष्ट्र है ना कोई जमीन है यानी कोई नक्शा है जो आप देखते हैं क्या ये राष्ट्र है तो और उसके निर्माण कैसे होगा क्या वहां पर कोई और टुकड़े जोड़ने हैं या लोगों का विकास करना है या एक विचारधारा आगे बढ़ानी है तो राष्ट्र निर्माण की का अर्थ क्या है पहले तो हम ये सोचेंगे फिर जाहिर सी बात है जब हम अपनी पूरी कहानी उन्नीस के आसपास से देखने वाले हैं तो भारत में जो पहली अंतरिम सरकार बनी आजादी के समय और फिर बाद में चुनाव के बाद जो पहली सरकार बनी उसका नेतृत्व तो कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए नेहरू की क्या भूमिका थी उनका दृष्टिकोण था राष्ट्र निर्माण को लेकर यह जानना भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉट एग्जैक्टली वॉज पंडित नेहरू थिंकिंग एंड वट वॉज हिज आइडियोलॉजी फॉर द नेशन बिल्डिंग हम सभी जानते हैं कि उन्नीस के आसपास जब सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी की बड़ी अच्छी मित्रता थी और दोनों एक विचारधारा से बड़े प्रभावित थे समाजवादी विचारधारा से और जो पंचवर्षीय योजनाओं जैसे कार्यक्रम थी जो सोवियत संघ में ऑलरेडी धीरे धीरे इंकनकेट हो रही थी उनसे भी बड़े प्रभावित थे और बाद में नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो इस विचारधारा को वो आगे लेकर बढ़ना चाह रहे थे इस विचारधारा लेकिन ऐसा समाजवाद या साम्यवाद नहीं जो सोवियत संघ में चल रहा था एक उदारवादी समाजवादी परंपरा जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को लेकर चले ध्यान रखिए जरूरी नहीं कि समाजवादी जो आ, देश होगा वह अर्थव्यवस्था भी समाजवादी रखेगा वह मिश्रित अर्थव्यवस्था रख सकता है इसकी डिटेल चर्चा में आगे करूंगा चैप्टर में आप चिंता मत करिएगा ठीक अच्छा दूसरी बात समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो लोकतंत्र पर हो और जो क्या सुनिश्चित करे कल्याणकारी राज्य कल्याणकारी राज्य जिसको आप बोलते हैं वेलफेयर स्टेट आगे मैं चर्चा करूंगा इसका क्या मतलब है तो ये जो नेहरू का दृष्टिकोण था एक तो ये था कि भाई उस समय जब आजादी हमें मिली उस समय देश में कुछ निराशाजनक भी गतिविधियां चल रही थी ठीक था कि हमको लगभग दो सौ ढाई सौ साल के बाद आजादी प्राप्त हुई तीन सौ साल भी कह लीजिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है लेकिन आजादी के समय हमारे पास कुछ चुनौतियां थी जिस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं तो उस निराशा के बादल से एक उम्मीद देना एक एजेंडा जगाना देश में यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और नेहरू इस दृष्टिकोण में काम कर रहे थे नेहरू ने बड़ा एक ऐतिहासिक भाषण दिया कि वेन द वर्ल्ड इज स्लीपिंग इंडिया इज अवेकनिंग टू फ्रीडम एंड ऑल जब दुनिया सो रहा है भारत एक आजादी और नए उत्साह के साथ जगेगा ये बड़ा फेमस भाषण है उसकी चर्चा भी थोड़ी कर लेंगे तो नेहरू का दृष्टिकोण असल में क्या था यह जानना इसलिए जरूरी है कि वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका क्या आ, उनकी भूमिका रही इस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे फिर एक जो चुनौती चुनौती में सबसे बड़ी उस समय दिखाई दी विभाजन की विरासत ठीक विभाजन की विरासत यानी जब देश में हम राष्ट्र निर्माण करने का प्रयास या शुरुआत या आजादी के बाद की जो स्थिति हुई तो आपको पता है टू नेशन थ्योरी फ्लोट हो रही थी और वहां से विभाजन की स्थितियां बननी देश में शुरू हुई जिसको आप पार्टीशन कहते हैं जाहिर बात ये पार्टीशन धर्माधारित था तो धर्माधारित पार्टीशन था तो धार्मिक उन्माद फैलना भी बहुत स्वाभाविक था और मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका हम सब जानते हैं कि देश को बंटवारा कराने में अगर सबसे बड़ा भूमिका किसी का था तो मोहम्मद अली जिन्ना का था डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया गया कत्लेआम कराया गया खून खराबा हुआ आगजनी हुई ट्रेनों में भर भर के लाशें आ रही थी जा रही थी तो ये जो विभाजन की विरासत मिली थी राष्ट्र निर्माण करने से जस्ट पहले वो विरासत और नई विरासत थी क्योंकि उन्नीस में देश आजाद हुआ उसी समय ये सारा विभाजन वाला भी चल रहा था मामला और फिर उन्नीस सौ पचास से नई सरकारें शुरू हुई चलनी तो ये विरासत हमको मिली हुई थी जिसमें एक समस्या लेकर वो विरासत आई शरणार्थियों की क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे वहाँ से यहाँ आ रहे थे वो शरणार्थी रिफ्यूजी बन के आ रहे थे उनके पास कोई जमीन नहीं था उनके पास कोई अपना ठिकाना नहीं था उनके पास अपनी कोई रियासत नहीं थी या मतलब अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी तो उन शरणार्थियों के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उनको कैसे बसाया जाए कई सालों तक कैंपों में उनको रखा गया उनको पालन पोषण किया गया फिर कश्मीर की समस्या ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आई वो कश्मीर जिसके राजा हरि सिंह महाराजा हरि सिंह वहां के शासक थे और उन्होंने कहा कि हम भारत पाकिस्तान किसी में नहीं जाएंगे बाद में पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला कर दिया पाकिस्तान के सपोर्ट पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट से फिर वो भारत से सर, जो है शरण मांगते हैं और तब भारत सरकार कहती है कि भाई अगर आप हमारे साथ विलय करें तो हम आपको शरण दे सकते हैं अब उस विलय के प्रक्रिया में धारा तीन जैसी शर्तें आ गई जिस सर्त, जिस शर्तों को अभी हमने कुछ दिन पहले एक तरह से कह सकते हैं कि भारत माँ के सर में था उसको हमने ठीक किया है देके तो ये कश्मीर की समस्या कितनी बड़ी चलती रही और उससे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे पर क्या माहौल बना इसकी देख लेंगे फिर एक जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने दिखाई दे रही थी वो थी राज्यों के पुनर्गठन और भाषाई संघर्ष यानी एक तरफ हम अच्छा इस संघर्षों में एक संघर्ष और था रियासतों का विलय खैर ये तो पार्टीशन वाले ही मुद्दे में हम देख लेंगे लेकिन हां इसको ध्यान में आप रखिएगा कि एक चुनौतियां थी कि बहुत सारे कश्मीर जैसे जैसे जूनागढ़ है हैदराबाद है इस तरह के बहुत सारी रियासतें थी जिनको भारत में मिलाने में बहुत बड़ी हमें कशमकश करनी चाहिए कर पड़ी और वहां भूमिका देखेंगे भारत के लौ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ठीक है भारत रत्न इसमें कोई दो राय नहीं ठीक है और भारत की ये का सौभाग्य कि ऐसे नेता भी देश में थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने कैसे रियासतों को मिलाया जिसने देश की भौगोलिक एकता देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को और मजबूत किया है ना अरे बात समझ में और साथ में फिर एक नई समस्या का जन्म हुआ कि राज्यों का रियऑर्गेनाइजेशन कैसे हो कैसे राज्य बने तो इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया उन्नीस में भाषा के आधार पर बड़ी डिमांड थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का गठन हो और पहले कांग्रेस ने इस बात की चर्चा भी की थी भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटियों का गठन भी पहले हो चुका था बाद में कांग्रेस और नेताओं को यह लगा कि भाई शायद ये एक आ, हमारे यूनिटी में खतरा पैदा हो सकती है तो मानने को तैयार नहीं थे फिर कई लोगों ने अनशन किया जाने दी बहुत बड़ा बवाल हुआ तो ये माना गया कि हाँ भाषा के आधार पर हो सकता है और पहला भाषा के आधार पर राज्य बना आंध्र प्रदेश आंध्रा ठीक है तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चुनौतियां थी जो राष्ट्र निर्माण के सामने खड़ी थी यानी जब हम अपने देश की आजादी के बाद 15 अगस्त उन्नीस को आजाद हुए और हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था उन्नीस से और हमने संविधान सभा में सारी चीजें हम एकत्रित कर रहे थे बना रहे थे तब हमारे सामने ये चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी थी अब एक नया राष्ट्र नई नेतृत्व नई जिम्मेदारियां क्या करते हम कैसे आगे बढ़ते कितनी बड़ी ये चुनौती थी और इस चुनौती का सामना करके में हमने क्या भूमिका निभाई भारतवासियों ने मिलजुल कैसे काम किया अच्छा ये ये चुनौतियां तो प्रमुख थी इसके साथ साथ हमारे सामने कुछ चुनौतियां जो बड़ी विद्यमान थी एक आर्थिक जड़ता जिसकी चर्चा हम करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन भारत जब अंग्रेज यहां पर आए थे सोने की चिड़िया की स्थिति में था अर्थव्यवस्था के लिहाज से लेकिन भारत को उसने क्या कर दिया जब आप अर्थशास्त्र की कक्षा बारह की आ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अंग्रेजों ने भारत की स्थिति यह कर दी थी कि हम फिनिश गुड्स यानी बने हुए माल का आयातक बन गए और कच्चे माल का निर्यातक बन गए इसके अलावा हम कुछ नहीं थे तो हमारा अपना हैंडलूम हमारा अपने अपना बेसिक इंडस्ट्रीज उद्योग सबकी हालत खराब हो चुकी थी बेरोजगारी चरम पर थी गरीबी चरम पर थी खाद्य संकट हमारे सामने बहुत मुंह बाए खड़ा था ठीक है खाद्य संकट ये मुंह बाए खड़ा था है ना? गरीबी बड़ी थी महामारी बहुत बड़ी थी अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक लगभग जीरो था इतनी सारी चुनौतियों का सामना हमें उस समय करना था ठीक तो ये तो पॉलिसी मेकिंग पर हम कर लेते लेकिन इन चुनौतियों की हम विशेष बात करेंगे जो कहीं ना कहीं एक ऐसी चुनौती थी जो बहुत लंबे समय तक पीड़ा देने वाली थी वो जो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली थी और ये चीजें ऐसी हैं जो आज भी कॉन्फ्लिक्ट कम या बेसी बनी हुई है आज भी हर राजनीतिक डिस्कोर्स में विभाजन की बात होती है

और हमने राज्यों के पुनर्गठन को आज भी ये बंटवारे तो इस चैप्टर में तो हम ये बहुत से देख सकते हैं कि असंख्य बलिदानों और दशकों के प्रयास के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई अब देखिए मैंने एक लाइन आपके लिए ऐड किया है पर प्लीज आप इस लाइन को एक हजार लाइन समझिएगा ये इतनी आसान बात नहीं है कि हमने असंख्य बलिदान दे दिया और कई प्रयास कर लिए तो आजादी मिल गई दिस इज नॉट एज सिंपल बलिदानियों में कई तरह के बलिदान है क्रांतिकारी बलिदान है राजनीतिक आकांक्षाओं के बलिदान है देश मातृभूमि को छोड़ने जैसे बलिदान है प्राणों की आहुति है है ना देश अपने जिंदगी खपा देने वाले बलिदान है यानी अपनी नौजवानी को देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे तक पहुंचा देना ऐसे भगत सिंह की कुर्बानी है एक कुशल बैरिस्टर और आ, कोट टाई पहन के घूम सकने वाली आजाद जिंदगी को छोड़कर पूरी एक धोती और लाठी लेकर पूरे भारत में घूमना और लाठी खाकर पूरे भारत को एकत्रित करके बूढ़े पन तक लड़ते रहना लास्ट में गोली खाकर मर जाना और राजनीतिक नेतृत्व तो देना ऐसे महान महात्मा गांधी की, की कुर्बानी भी है अपने आकांक्षाओं को किनारे रखते हुए देसी रियासतों को भारत को जोड़ के एकीकरण प्रदान करना और हंसते हंसते हर दायित्व का निर्वाह करना ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुर्बानी है एक चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने के बाद भी देश के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चलना और हर चुनौती को डट के तैयार होने के लिए सामना करने के लिए तैयार रहना हर जिम्मेदारी के लिए आगे रहना और हर भूमिका का निर्वाह करना और एक दृष्टिकोण और वैचारिक रास्ता प्रदान करना ऐसे जवाहरलाल नेहरू की कुर्बानी भी है तो ऐसे में जिनके नाम सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस के तले और कांग्रेस की हर विचारधारा को सपोर्ट करते हुए समाजवाद के तिरंगे झंडे को, को आगे लेकर चलना और जब सहमति न बन पाए तो भी अपने हिसाब से मां भारती की सेवा के लिए देश छोड़कर भी जाकर दूसरे देशों से रणनीति बनाकर लड़ते रहने के जज्बा दिखाना ऐसे हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी तो इस तरह के बहुत सारे बलिदान हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा कि बलिदान को छोटा मत समझिएगा और इसके बाद कई दशकों का प्रयास अठारह से प्रयास पहला किया गया उसके बाद 1905 की का सन्यासी 1930, पूरा सन्यासी आंदोलन और बंगाल विभाजन के खिलाफ फिर उन्नीस सौ असहयोग उन्नीस सौ पूरा सविनय अवज्ञा उन्नीस भारत छोड़ो न जाने कितने प्रयास तो यह आजादी मिली लेकिन जब चुनौतियां आई तो फिर वहां पर उसको लिए एक अलग रास्ता अपनाया गया लेकिन जब यह आजादी मिली तो दो बातों पर सबकी सहमति थी इस पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा दो चीजों पर क्योंकि देखिए हुआ क्या कि दिसंबर 1946 से हमारी संविधान सभा काम करने लगी टू बी मोर प्रसाइज 9 दिसंबर फिर 11 दिसंबर सच्चिदानंद सिन्हा फिर बाद में आ, 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 राजन प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने और वो 389 मेंबर्स की पूरी जो सभा थी ठीक है नवासी सदस्यों की उसने बहुत सारे विभेद थे भाषा के आधार पर लोग अलग थे धर्म के आधार पर लोग अलग थे हर विचारधारा पर एक जोरदार बहस होती थी और कई प्रो एंड रहते थे कई विचारधाराओं में अंतर देखा जा रहा था लेकिन दो चीजों पर सभी एक साथ सहमत थे पूरा देश दो बातों पर बिल्कुल सहमत था क्या स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन यानी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ठीक है ना लोग क्योंकि हम क्या थे हम अंग्रेजों के शासन से लेकर और बहुत पहले तक राजतंत्रात्मक शासन में जी रहे थे उसकी कमियों के बारे में भली भात परिचित थे लोकतंत्र के ना होने से क्या स्थितियां बनेगी वो देख सकते थे वो ब्रिटेन जो अपने आप को सबसे पार्शियल लोकतंत्र कहता था वो हमारे यहां पर लोकतंत्र की बहाली नहीं करने देता था उसके लिए कितने संघर्ष किए गए तो हमारा सबसे पहला टारगेट था कि भैया हम डेमोक्रेसी तो स्टेब्लिश करेंगे चाहे जो हो जाए ठीक यानी सबको राजनीतिक अधिकार रहेगा राजनीतिक पार्टिसिपेशन की बात की जाएगी ये सारी चीजें तो क्लियर होंगी इसमें कहीं कोई दोहराया नहीं होगा दूसरा हम ये कह रहे थे कि कल्याणकारी राज्य जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेलफेयर स्टेट इस पर आगे और चर्चा में करूंगा वेलफेयर स्टेट की स्थापना हम करेंगे के है। अब यहाँ पर समझ करनी बहुत जरूरी है मैंने प्रीवियस चैप्टर में दो ध्रुवता और ये सारी चीजें बुक में डिस्कस करता तो मैंने बहुत डिटेल में समाजवाद पूंजीवाद इसके बारे में आपको चर्चा की है लेकिन थोड़ा सा आप इसका क्रक्ष जानते रहिए बहुत जरूरी है इस चैप्टर के परस्पेक्टिव से तो और ज्यादा अब देखिए दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं होती है मान लीजिए मुख्यतः एक समाजवाद और अर्थव्यवस्था भी इसी हिसाब से होती है ठीक और एक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के ही पर्सपेक्टिव से समझ लीजिए आप अब तो मिश्रित आ गया है इन दोनों का मिक्स हाइब्रिड कह सकते हैं आप जो समाजवाद होता है वो ये कहता है वो ये मान के चलता है कि ये सरकार के जो जनता है वो सरकार के बच्चे हैं मतलब मतलब जो जनता है अगर उसको हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में छोड़ देंगे तो शोषण करके चूस जाएंगे तो सरकार क्या कहती है कि हम एक नियंत्रित व्यवस्था चलाएंगे नियंत्रित व्यवस्था जिसको आप कृत व्यवस्था भी कह सकते हैं कृत व्यवस्था या अर्थ व्यवस्था। मतलब ये इसको कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है निर्देशित अर्थव्यवस्था भी कमांड इकोनॉमी और ये सुनिश्चित क्या करना चाह रहा है कल्याणकारी राज्य अच्छा मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा और अल्टीमेटली बात करता है संसाधनों के समान वितरण पर समान वितरण की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज समाजवाद कहता है कि हम एक नियंत्रित व्यवस्था बनाएंगे हम एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाएंगे जहां एक अच्छा ये नियोजित प्लांट की भी बात करता है नियोजन की बात करता है कि हम एक सत्ता एक, एक रहेगी सरकार रहेगी वो हर चीज को कंट्रोल करेगी ठीक यहां पर सामूहिक स्वामित्व होगा प्राइवेट स्वामित्व नहीं होगा सब सरकार की प्रॉपर्टी रहेगी सरकार उसको बांटेगी सब में सरकार देखेगी कि क्या उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें किस कीमत पर उत्पादन करें ये सब कुछ सरकार तय करेगी प्राइवेट नहीं तय करेंगे और कल्याणकारी राज्य का मतलब ये हो जाएगा कि हम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे सबको पेंशन मिले सबको रोजगार मिले सबको खाना मिले सबको सबका विकास हो आर्थिक सामाजिक रूप से वो बराबर रहें कोई भेदभाव ना हो सब कुछ सरकार तय करेगी चाहे उसके लिए कीमत घटानी पड़े चाहे उसके लिए खूब सब्सिडी देनी पड़े चाहे उसके लिए खूब उनको रिजर्वेशन देना पड़े जो करना पड़े ये समाजवादी विचारधारा की बातचीत रहती है अगली बात समझ में ठीक समाजवाद का विचार ही रहता है कि भाई संसाधनों को हम एक हाथ में नहीं जाने देंगे सबको डिवाइड करो बराबर बराबर जिसको नहीं मिलता उसको दो ठीक यह बात करता है क्या पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचे है ना अंतिम व्यक्ति का विकास और यह बात करता है बॉटम अप अप्रोच ठीक नीचे से ऊपर आकर विकास होना चाहिए समाजवाद का आइडिया बेसिक है इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है फिर साम्यवाद से कैसे यह अलग है कैसे यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपने में जोड़े रहता है थोड़ा पूंजीवाद भी ये सब एक अलग बहस है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूं जो पूंजीवाद होगा वो कहता है बाजार अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था क्या उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें किस कीमत पर उत्पादन करें किसके लिए उत्पादन करें सरकार कहेगी भाड़ में जाओ मुझे मतलब नहीं है सब कुछ बाजार तय करेगा मार्केट और बाजार का मतलब मांग और पूर्ति से डिसाइड होगा लोग पूछेंगे सर यह आटा है सबको चाहिए किस कीमत पर बेचे बोलेगा मैं क्या जानता हूं जिस कीमत पर जनता खरीद ले बेच दो मुझे टैक्स चाहिए मैं तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर दे दूंगा व्यवस्था बना दूंगा सब ठीक रखूंगा देखूंगा कोई गलती ना हो लेकिन बाकी क्या होगा कैसे होगा बाजार जाने मुझे मतलब नहीं है यह सीधे कहता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो फिट है जो सर्वाइव कर सकता है जो कमा सकता है सारे अपॉर्चुनिटीज हैं यूज करे कमाए खाए मुझे क्या मतलब है मुझे टैक्स चाहिए बाकी जो सुविधाएं मैं देता रहूंगा सड़क बिजली पानी लॉ एंड ऑर्डर ये सब करता रहूंगा बेसिक पूंजीवाद और समाजवाद में ये अंतर है ठीक आ बात समझ में तो ये जो हमारा आ, हमारा जो पूरा राष्ट्र के समय आ, जो हमारी थिंकिंग थी तो नेहरू विशेषकर समाजवादी थे लेकिन हाँ वो साम्यवादी या हार्ड कोर ऐसा समाजवाद नहीं जो सोवियत संघ ने अपना लिया था कि बिल्कुल प्राइवेट को नहीं आने देंगे आ, आ, सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी और काफी स्ट्रिक्ट नहीं थोड़ा सा लिबरल सा उदारवादी हालांकि उस उदारवादी में भी कहने के लिए उदारवाद था हमने ज्यादातर चीजें सरकारी हाथ में रखी थी बहुत छोटा स्कोप छोड़ा था प्राइवेट प्लेयर्स के लिए क्योंकि दूध के जले थे छाछ फूक फूक के पीना चाह रहे थे अंग्रेजों ने इसी व्यापार और फ्री ट्रेड के नाम पर हमको गुलाम बना लिया तो हम बहुत डर गए हमने कहा हम अपनी अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्लोज रखेंगे हम किसी बारी को आने नहीं देंगे अब आने देने के लिए एकदम दरवाजा बंद नहीं किया इतने टैक्स और कोटा लगा दिए यानी लिमिट फिक्स कर दिए कि लोग वैसे ही कमाते तो और हमारा उद्देश्य था कि हम कल्याणकारी राज्य बनाएंगे लोगों की बिल्कुल नहीं सुनी अंग्रेजों ने लोगों के सुख सुविधा लोगों के चैन लोगों को खाना लोगों के स्वास्थ्य लोगों की शिक्षा इस पर कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया है तो पहले हम वो सुनिश्चित करेंगे कल्याणकारी राज्य बनेंगे जिसमें लोगों को लगे कि उनके लिए शासन हो रहा है ठीक और कितना मजा आ जाएगा कि अगर लोकतांत्रिक शासन हो और कल्याणकारी उद्देश्य हो तभी इन्हीं दोनों का तो मैच हो सकता है अब आप लोकतांत्रिक शासन करके पूंजी बात कर लीजिए तो थोड़ी लोगों का उतना कल्याण होगा उतना शायद सरकार न भी ध्यान दे लेकिन अगर कल्याणकारी राज्य बनाना है और उसके लिए आप चाहें कि शासन आ जाए राजा का शासन आ जाए तो शायद ना हो लेकिन अगर लोकतांत्रिक आ जाए कि लोग खुद अपनी सरकार चुने और लोगों के कल्याण का काम हो यह सबसे बेस्ट सेटअप था तो इसलिए दो बातों पर सब एग्री थे कि आजादी के बाद हम एक लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था करेंगे और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करेंगे और हुआ भी तो भारत का संविधान भैया दो साल 18 महीना और 11 दिन में बनकर तैयार हो गया छब्बीस नवंबर उन्नीस को तैयार हुआ और छब्बीस जनवरी उन्नीस को हमने लागू कर दिया और उन दो उस पूरे संविधान में ये दो बातें अपने आप झलक रही थी हमने प्रस्ताव में भी कहा कि इंडिया विल बी डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक और हमारे जो नीति निर्देशक तत्व थे हमारे जो आ, आ, लोगों को हमने मौलिक अधिकार दिए थे हमने जो और सेटअप पूरे संविधान का किया वो सम, निश्चित तौर पर एक कल्याणकारी राज्य जैसा ही दिखाई पड़ रहा था आगे बात समझ में इतना बेसिक आपको समझ में आ रहा है इतना बेसिक क्रक्स आप समझ पा रहे हैं तो आप इससे आगे भी आसानी से समझते चले जाएंगे अब देखिए मोटे तौर पर हाँ तो ये हो गई कहानी कि भैया ये हमारी सोच थी हम इस तरह आगे बढ़ना चाह रहे थे अब बात आती है कि स्वतंत्र भारत को तीन प्रकार की चुनौतियां जो सबसे प्रमुख रूप से आई तो यह तो हम करना चाह रहे थे लेकिन भाई जो आप चाहें वो होता चला जाए वो इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं इतना आसान भी नहीं है तो अब हमारे समय उस समय पर असंख्य चुनौतियां थी अगर हम मोटे तौर पर तीन चुनौती की बात करें तो पहली चुनौती एक ऐसे भारत के निर्माण की थी जो विभिन्न स्तर पर व्याप्त विविधताओं को आत्मसाप्त कर सके यानी एकमोडेटिंग डायवर्सिटी एकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए विविधता का मतलब क्या है डाइवर्स होना किस मामले में धर्म के आधार पर जाति के आधार पर भाषा के आधार पर लिंग के आधार पर क्षेत्र के आधार पर खान पान के आधार पर संस्कृति के आधार पर हर तरह की विविधता यहां पर है और उसी समय धार्मिक उन्माद और विभाजन भी चल रहा था अब एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो तरह तरह के विविधताओं को तरह तरह के अंतरों को एक साथ आत्मसात कर ले दैट वॉज ने इजी टास्क बिल्कुल आसान नहीं था आज आप जो भी भाषणबाजी कर लीजिए पर वो जो सिचुएशन थी सैल्यूट है उन लीडर्स को कि वहां से निकाल कर ले आए ठीक है कुछ समस्याएं हमारे साथ चल रही हैं चलती रहेंगी कोई बड़ी बात नहीं हर हर आप थोड़े से घर में देख लीजिए जहां तीन लोग हैं वहां भी खूब समस्याएं हैं तो यहां तो तीन लाख समस्याएं थी लेकिन उसको एकमोडोट करना और ऐसा बेहतरीन संविधान बनाया भैया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता तो इस विविधताओं को आत्मसात कर सके ताकि हमारे सामने कि कैसे हम विविधता में एकता करें अब इसमें चुनौती आप सोच होगी तो संविधान सभा चल रही है तब तक बात आ गई हमारा राष्ट्रीय भाषा कौन होगा कोई कह रहा उर्दू होगा कोई कह रहा हिंदी होगा कोई कह रहा हिंदुस्तानी होगा कोई कह रहा है अरबी कुछ भी अंग्रेजी होगा आप इसको आप कैसे करेंगे भाई समझ रहे आप बात कोई कह रहा है भारत कैसा राष्ट्र बनेगा कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा कोई कह रहा नहीं इस्लामी राष्ट्र बनेगा कोई कह रहा है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनेगा कोई सब, सब सब धर्म समान तो ये चुनौती सोचिए आप कितनी बड़ी रही होगी कितना एक बड़ा क्रिमेंटस डिबेटिंग स्टाइल या लॉजिक्स चाहिए इसको एकोमोडेट करने के लिए तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम इन विविधताओं को क्या कर सके एकोमोडेट कर सकें आत्मसात कर सकें ताकि हम अनेकता में एकता वाला पूरा पैटर्न लागू कर लें दूसरी चुनौती भावी भारत को लोकतांत्रिक धरातल पर संचालन की थी ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति को न्याय और राष्ट्रीय विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट विद जस्टिस ये इंश्योर करें ठीक कैसे लोकतांत्रिक धरातल यानी दूसरी चुनौती ये थी कि हम देश में लोकतंत्र स्थापित करें अब आप कहेंगे सर सब लोग तो तैयार थे लोकतंत्र के लिए समस्या क्या थी समस्या ये थी कि देश के क्या सभी हिस्से में लोकतंत्र के लिए स्थिति पर्याप्त बनी हुई थी कई जगह राजाओं का शासन था वो क्यों छोड़े अपनी गद्दी क्यों वो कहें कि हाँ ठीक है यहां लोकतंत्र से विधायक चुन लीजिए सांसद चुन लीजिए सरकार बना लीजिए बड़ी चुनौती थी दूसरा राजनीतिक सुचिता पॉलिटिकल नॉलेज पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या थी क्या हर आदमी उतना पढ़ा लिखा या न भी पढ़ा लिखा तो क्या उतना इतने सालों से गुलामी से दब कर वो इतना मानसिक रूप से आ, नीचे अपने आप को महसूस कर रहा था कि हमें किसे वोट देना चाहिए हमारे भी कुछ अधिकार हैं हम भी कुछ कह सकते हैं हम भी आवाज उठा सकते हैं ये थी ही नहीं भैया की गुलामी चली जा रही थी तो वहां इस स्थिति में डेमोक्रेटिक सेटअप बनाकर और राष्ट्रीय विकास और सबको जस्टिस दे पाना अभी जस्टिस दे पाना इसके दो तरीके हैं एक तो जस्टिस के लिए फ्रेमवर्क बने न्याय के लिए कोर्ट अदालतें ये सब बने दूसरा जस्टिस मांगने की हिम्मत तो हो लोग उस समय जाति व्यवस्था भी बहुत जकड़ी हुई थी लोग बोलते नहीं थे तो जस्टिस लोग मांग सके लोकतांत्रिक सेटअप पर भरोसा हो कि वहां सब कुछ पक्षपात पूर्ण नहीं बल्कि बहुत पारदर्शी होगा तब तो सेटअप करें तो दूसरी चुनौती हमारे सामने ये थी तो पहली यूनिटी इंश्योर करना दूसरी डेमोक्रेसी इंश्योर करना और तीसरी चुना तीसरी चुनौती समानता पर आधारित समाज के निर्माण की थी ताकि विकास के लाभ न्याय संगठत ढंग से समान से समान व्यक्ति तक पहुंच सके ठीक तो अगर मैं तीन चुनौतियों की बात यहां पर करूं थ्री चैलेंजेस तो हमारे सामने क्या था यूनिटी यानी एकता दूसरी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र स्थापित करना न्याय के लिए ठीक और तीसरी इक्विटी या इक्वालिटी यानी समानता ठीक और ये डेमोक्रेसी जस्टिस के लिए न्याय मिल जाए सबको ये तीन चुनौतियां बहुत इंपॉर्टेंट थी तो एकता लोकतंत्र समानता ये तीन ऐसी चुनौतियां थी जो हमारे लिए एक 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 बहुत बड़ा टास्क बनकर आई थी जिस टास्क को हमें कहीं ना कहीं करना था ठीक है समझ में आ गई बात तो इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए संविधान में अल्पसंख्यकों तथा विकास की प्रक्रिया में पूछे, पीछे छूटे वर्गों के विकास के लिए विशिष्ट प्रबंध किए गए है ना तो अब जैसे मान लीजिए जस्टिस की, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम जस्टिस देंगे न्याय देंगे इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर सामाजिक तौर पर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल हम न्याय देंगे यानी सबको बराबर हिस्सा देंगे तो ये जस्टिस करने के लिए हमने आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक हम उनको क्या देंगे न्याय देने का प्रयास करेंगे और जो एकता वाली बात है कि कैसे हम विविधता को एकोमोडेट करें तो हमने अपने संविधान में क्या कर दिया अल्पसंख्यकों और विकास की प्रक्रिया में जो लोग पीछे छूटे हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए ताकि उनको यह एहसास हो कि अच्छा हम अलग भी हैं तो भी हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट होगा और इससे जो इक्वालिटी वाली चुनौती है समानता वाली चुनौती वो भी एड्रेस होगी और एकता वाली चुनौती भी एड्रेस होगी क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा और हमने क्या कर लिया फिर इसी को ध्यान में रखकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में सम्मिलित किया गया जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो भारत के संविधान के पार्ट फोर भाग चार में है अनुच्छेद 36 से इक्यावन तक ठीक अब ये क्या था बड़ी दिलचस्प बात है देखिए जब संविधान बना तो संविधान में पार्ट भाग तीन में हमने मौलिक अधिकार डाल दिए और बोला कि पहले तो मौलिक अधिकार दे दिए कि इन अधिकारों को कोई छीनेगा तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकता है आर्टिकल बत्तीस हाईकोर्ट जा सकता है अनुच्छेद दो ठीक और इसके बाद हमने क्या कर दिया राज्य कैसे काम करेगा भाई देखो हमारे सामने चैलेंजेस बहुत थे काम बहुत सारा था हम तुरंत यह नहीं लिख सकते थे कि सरकार सबको घर बना के देगी सरकार सबको बराबर खड़ा कर देगी सरकार सबको नौकरी दे देगी संभव था क्या अगर संविधान में लिख देते तो सभी लोग कोर्ट पहुंच जाते हमको नौकरी नहीं मिला हमको घर नहीं मिला हमको रोजगार नहीं मिला तुरंत कैसे हो जाता भाई लेकिन सरकार के ध्यान में यह रहे सरकार के ध्यान में रहे कि वो कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता है इसलिए हमने एक काम किया संविधान के भाग भागचार में डाल दिया डीपीएसपी जिसको कहा जाता है राज्य के राजनीति के निर्देशक सिद्धांत ये ऐसे सिद्धांत बनाए कि सरकार ने बोला संविधान ने बोला कि सरकार को ये ये करना चाहिए और लिख दिया कि ये कोर्ट में इंफोर्सेबल नहीं रहेगा इसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही है लेकिन सरकार को ये ये करना चाहिए ये सरकार को संविधान हमेशा बताती रहेगी और लोग भी पूछते रहेंगे कि भैया संविधान में था किसी ने पूछा भीमराव अम्बेडकर से कि भैया आप सरकार के लिए इतने नीति निर्देशक तत्व इन अनुच्छेदों में डाल रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं कि कोर्ट नहीं जा सकता कोई तो सरकार क्यों करेगी तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली उन्होंने कि यस पी आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट इट विल बी इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक कि कानून के अदालतों में तो डीपीएसपी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी लेकिन लोगों के अदालत में होगी जब नेता पाँच साल बाद लोगों की अदालत में जाएंगे तो लोग पूछेंगे भैया आपको तो डीपीएसपी के हिसाब से काम करना था आपको तो पर्यावरण की रक्षा करनी थी आपको तो सबके लिए शिक्षा देना था आपको तो तरह तरह के साइंटिफिक टेम्पर और तरह तरह की ऐसी मतलब जो आप सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करनी थी न्याय की बात करनी थी आप कर रहे हैं क्या तो देख लीजिए सामाजिक न्याय को लेकर कितने आंदोलन हुए हैं देश में है ना कितने सरकारें चुनाव हारी हैं जीती हैं तो ये चीज हमारे तीन हमारे एक तरह से आप कह सकते हैं कि तीन भागों में हमारे डीपीएसपी हैं एक समाजवादी विचारधारा के अनुच्छेद हैं अड़तीस से ले अड़तीस उनतालीस उनतालीस ए सब सोशल जस्टिस वाले इकतालीस बयालीस 43 43 ए सैंतालीस एक गांधी जिसको मानते थे जैसे आ, आ, वो हस्त उद्योग को पंचायतों को इन पर जोर देते थे और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए ये सारे जोड़ देते थे तो चालीस तिरालीस तिरालीस बीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस ये जो अनुच्छेद हैं वो गांधीयन पर हैं और लिबरल इंटेलेक्चुअल के हिसाब से चौवालीस पैंतालीस अड़तालीस अड़तालीस है उनचास पचास इक्यावन ये है तो ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक निर्देशकत्व तो जो है वो किन तीन भागों में विभाजित हैं तो सोशलिस्ट गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल इन तीन भागों में ये विभाजित है और ये बताते रहते हैं सरकार को कि आपको इन तीन चुनौतियों पर ध्यान देना है कि कैसे आप इक्वालिटी को मेंटेन करें समानता को बनाए कैसे सब तक विकास पहुंचाएं कैसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें तो हमने इन तीन चुनौतियों के लिए यह प्रयास करने शुरू किए तो तीनों चुनौती के बारे में आपको ध्यान रहेगा ये ध्यान रखिएगा केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना ही काफी नहीं है वरन आवश्यकता इस बात की होती है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लाभों को समेकित किया जाए मतलब जो उसके बेनिफिट्स हैं उसको ठीक से सब तक पहुंचाया जाए और उसका पूरा फायदा उठाया जाए हम इंडिया हम आजाद होगा इससे केवल काम इससे भर काम नहीं चल गया हमें बहुत सारी बातों को एक साथ लेकर चलना होगा बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होगा कि जो बलिदान है वो बेजा ना जाए वो खराब ना हो और उनका हम आ, उनको हम ठीक से आगे उसकी फसल काट सकें अब जो राष्ट्रवाद कभी विदेशी शासन से मुक्ति की दिशा में उन्मुख हुआ करता था वही स्वतंत्रता के बाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कृत संकल्प हो जाता है जो न्याय और समानता पर हो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन तो जब तक हम आजाद नहीं थे हमारा राष्ट्रवाद क्या था राष्ट्रवाद ये था कि भैया हम अपने राष्ट्र की कल्पना करते हुए इन विदेशियों को यहां से भगाएं और खुद स्व शासन करें सेल्फ गवर्नमेंट अपने हाथ में शासन ले और जैसे ही हमें आजादी मिली तो हमारे लिए राष्ट्रवाद क्या हो गया कि भैया हम न्याय यानी कि सबके साथ जस्टिस जो अंग्रेज नहीं करते थे ये इंश्योर करें और इक्वालिटी समानता जो अंग्रेज नहीं देते थे उसको इंश्योर करें तो दो चीज हमारे हमारे संविधान के प्रियंबल में भी है और हमारे संविधान में हर जगह ये आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली दिखाई देगी वो है जस्टिस और वो है समानता ठीक है यानी इक्वालिटी तो ये जो इक्वालिटी है और जस्टिस है ये कहीं ना कहीं जो है आपको इंश्योर करनी पड़ेगी ये राष्ट्र के सामने एक चुनौती भी थी और एक कार्य भी था कि यही करना है जस्टिस यानी जिनको सदियों तक न्याय नहीं मिला वो पीछे हैं उनको आगे ले आइए और समानता इंश्योर करिए अब आप कुछ लोग कहते हैं कि सर समानता इंश्योर करेंगे तो रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं अरे रिजर्वेशन आपकी समानता को कम नहीं कर रहे हैं जो पीछे छूट गए समानता नहीं मिली उनको बराबर में ले रहे हैं ये लॉजिक था और आज भी है तो ये जो जस्टिस और इक्वालिटी है ये करना हमारा राष्ट्रवाद बन गया और इसकी कामना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की होती है बिल्कुल ठीक बात ये जस्टिस और इक्वालिटी आप तब तक इंश्योर नहीं कर सकते हैं जब तक एक डेमोक्रेटिक सेटअप ना हो जब तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ना चल रही हो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी तो आप जस्टिस और इक्वालिटी एंश्योर कर लें दिस इज नेवर पॉसिबल एंड नेवर इजी तो ये आप ध्यान रखिए राष्ट्रवाद एक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ग्रहण करता है कल्याणकारी राज्य का स्वरूप ग्रहण करता है मतलब वेलफेयर स्टेट का एक सेप ले लेता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट है हम एक कल्याणकारी राज्य है वो राष्ट्रवाद वहां बन जाता है और वो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है समानता हो न्याय हो सबको रोजगार हो सबको भोजन हो सब कुछ ठीक है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर बहुत अच्छा ये मेंशन किया गया है जैसे बुजुर्ग हैं इनके लिए अलग व्यवस्था ठीक जैसे कोई विकलांग है उनको भी आप बराबरी पर ले आइए उनको हेल्प करिए कोई जॉबलेस हो तो उनको भी आप मदद करिए चाहे वो नौकरी देकर या इंप्लॉयमेंट भत्ता देकर ठीक और फिर जो जो आप ये देख रहे हैं कि हर तरह के हर उम्र के लोग हैं इसको आप किस तरह से मजदूर क्लास भी है जैसे ये प्रोफेशनल भी है ये बूढ़ा भी है तो इन तीनों को आप कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट दीजिए कि बराबरी से चल सकें ठीक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फार्म्स जो हैं मान लीजिए कि तरह तरह के पेंशन है इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था करना है ना अगर मान लीजिए कोई कोई महिला है वो आ, प्रेग्नेंट है या गर्भवती है वो घर पे रह रही है तो उसको मदद मिलती रहनी चाहिए ठीक है और सोशल सिक्योरिटी सबका एंश्योर हो महिलाएं हैं तो उनकी भी यानी जो लोग कोई भी पीछे हो उसको हमेशा एक सरकार के तरफ से मदद मिले ना ये सबसे आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि कल्याणकारी राज्य होता है यानी सबके कल्याण की बात और खासकर जो अपना कल्याण इंश्योर ना कर सके उसके वेलफेयर की कामना हमेशा सरकार करती रहे तो इसमें सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के दृष्टि से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो प्रयास किए जाते हैं जो नीति अपनाई जाती है उसे राष्ट्र निर्माण कहा जाता है ठीक है जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना रिसेंट आ जाइए जिसके पास सिलेंडर नहीं है दे देना ठीक विकलांग योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक ये सब क्या है कल्याणकारी योजना है ना कि भाई जो गरीब है उसको दीजिए अभी जैसे किसान सम्मान योजना किसानों को मदद करिए है ना अभी फ्री में राशन दिया जा रहा है तो क्या है कल्याणकारी राज्य नहीं बोलेगा कि मरना है तो मरो जियो तो जियो नहीं वी विल विल्पेयर कंसेप्ट एक वेलफेयर स्टेट की ये धारणा रहती है ठीक तो ये हमने बेसिकली एक परिचय के रूप में ये समझा कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है या राष्ट्र निर्माण पर तो थोड़ी अभी बात करेंगे कि राष्ट्र के निर्माण में चुनौतियां क्या थी जब हम आजाद हुए तो परेशानी स्थिति क्या थी और धीरे धीरे हम वहां से निकलने के हमने क्या क्या प्रयास किए हैं और हमारे प्रयास में हमारा एजेंडा कह रहा है कि लोकतंत्र हो कल्याणकारी राज्य हो यह हमारे एजेंडा में हमेशा शामिल रहा है आगे बात समझ में इसके लिए हमने संविधान में भी पूरी व्यापक व्यवस्था की है हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो, तो आप देख ही रहे हैं संविधान का जो प्रियंबल यानी प्रस्तावना है चलिए आपके लिए एक टास्क है आज सभी लोग संविधान के प्रस्तावना को पढ़ेंगे और उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन कौन से वर्ड मिले जो आप अभी तक जो समझे उससे मैच करता है ठीक है ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप ध्यान रखेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि भाई आखिर राष्ट्र निर्माण की अवधारणा क्या है राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है एक राष्ट्र का निर्माण होता हुआ कब दिखाई पड़ेगा कब आपको लगेगा कि हाँ नेशन बिल्डिंग इन प्रोसेस है तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पर थोड़ी बात करेंगे तो शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से राष्ट्र निर्माण पदबंध दो शब्द से मिला है एक तो राष्ट्र और एक निर्माण यानी हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा कि राष्ट्र क्या है यानी नेशन क्या है और निर्माण क्या है ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आगे बात समझ में तो भाई राष्ट्र क्या है और निर्माण क्या है ये बात जाननी बहुत जरूरी है तो अब राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेटस नामक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जन्मा या बॉर्म आगे बात समझ में मतलब जो जन्म ले या जो पैदा हो वो नेटा शब्द से नेशन बना है तो हमारा भी देश क्या है हम खैर हम सैतालीस में पैदा नहीं हुए हम तो सबसे पुरानी सभ्यता है लेकिन एक व्यवस्था के बाद पैदा हुए उन्नीस में इसका आशा है कि राष्ट्र शब्द समान जातीय उत्पत्ति की ओर संकेत करता है ठीक है राष्ट्र से जुड़ा एक शब्द है राष्ट्रीयता या नेशनैलिटी अब जो जन्मा उससे आप जिस अगर आप संबंधित हैं तो आपकी वहां राष्ट्रीयता आपकी वहां नेशनैलिटी बनती है राष्ट्रीयता एक मनोभाव भी है बिल्कुल ठीक बात राष्ट्रवाद को हमेशा एक एक देश के टुकड़े एक जमीन जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं एक जीता जागता महापुरुष है तो मनोभाव मनो मतलब जैसे आज आप भारत में खड़े हैं और आप क्या सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो जाए आप क्या सोचेंगे आपको समझ में आ जाएगा यहां आप हैं तो आपको लग रहा है आप अपने घर में हैं आप अपने यहां हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यही आपको पाकिस्तान में खड़ा कर दिया जाए तो आपको मनोभाव क्या होगा तो राष्ट्रीयता एक मनोभाव है जो राजनीतिक एकता पर आधारित होता है और एक राष्ट्रीय समूह के व्यक्ति एक विशिष्ट संगठित इकाई बन जाते हैं और इस प्रकार से राष्ट्र का जन्म होता है बिल्कुल ठीक बात तो जब हम राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो हम एक पॉलिटिकल यूनिटी की बात करते हैं पहले पॉलिटिकल यूनिटी या एंटिटी भी मतलब हाँ ठीक है कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा एक यूनिटी है ठीक गुजरात से अरुणाचल तक हम एक एंटिटी है एक तो हम ये सोचेंगे और राष्ट्रीय समूह के व्यक्ति एक विशिष्ट संगठित इकाई बन जाते हैं इन सभी राज्यों में जो लोग हैं वो क्या बन जाएंगे एक एंटिटी बन गए गुजराती बोल रहा है चाहे बिहारी बोल रहा है चाहे आसमी बोल रहा है उनको लग रहा है कि भाई हमारे देश के एक साथ के लोग हैं तो हम एक एंटिटी हो गए और यहां से फिर एक देश का जन्म होता है तो जो जो लोग इस भावना को जहां तक मान लीजिए कोई कोई ये 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 देश एक 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 जगह है तो जिस जिस कोने तक तक सबको कि और और हम हम हैं हैं वहां राष्ट्र का जन्म हो जाएगा और ऐसा फिर दो भाव से किया जा सकता है कि भाई सभी लोग आकर मिलजुल कर, मिल कर बोले कि ठीक है हम एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं या सबको मिला दिया जाए और बोला जाए कि एक राष्ट्र है वो कमिंग टूगेदर होल्डिंग टूगेदर वो दो चीजें हैं अलग बात हो जाएगी तो यहां से राष्ट्रीयता बनती है राष्ट्रीयता में जब राजनीतिक एकता और संप्रभुता का भाव मिल जाता है तो राज्य या राष्ट्रीय राज्य का जन्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन तो पहले लोगों की यह मनोभावना हुई कि हां हम एक हैं और फिर वहां पर राजनीतिक एकता हो गई कि ठीक है हम पोलिटिकली यहां यहां तक हम रहेंगे हमारा राज्य रहेगा अब इसमें जब संप्रभुता बन जाए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट संप्रभुता मतलब सोवर्जनिटी यानी वहां के लोगों को अब ये इतनी शक्ति प्राप्त हो जाए कि वो अपना निर्णय स्वयं लें कि हम कहां तक एक देश हैं हम बाहर के लोगों से कैसा ट्रीट करेंगे हम अंदर का शासन कैसे चलाएंगे हमारी व्यवस्था क्या रहेगी हमारा संविधान क्या रहेगा तब एक राष्ट्रीय राज्य का जन्म होता है उन्नीस से पहले यही नहीं था राष्ट्रीय राज्य का जन्म ही नहीं था और अठारह के पहले तो राष्ट्र वाला भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था चाहे आप मुगल काल ले लीजिए चाहे कहीं ले लीजिए सब रियासतें डिवाइडेड थी किसको था कि एक भारत है कुछ कुछ लोगों ने प्रयास किया तो यह पहले भावना का जन्म होना कि हम एक राजनीतिक एकता है और फिर वहां संप्रभुता मिल जाना कि ठीक है अपना संविधान बना लीजिए अपने नियम कानून तय कर लीजिए यहां से राष्ट्रीय राज्य बनता है नेशन स्टेट बनता है तो राज्य तब बनता है जब उसकी संप्रभुता आ जाए जैसे आज भारत एक राष्ट्रीय राज्य है निर्माण का अर्थ होता है बनाना और निर्मित करना ठीक तो अब क्या हुआ 1947 तक हमको एक राजनीतिक एकता समझ में आई फिर हमने कई राज्यों को विलय कराया निजाम हैदराबाद सब मिलाया जूनागढ़ मिलाया हम राजनीतिक एकता तो हो गई अब हमें संप्रभुता मिल गई 1946 में कि अपना आप अपना संविधान बना लीजिए तो वो सब मिल गया हम राष्ट्रीय राज्य बन गए अब आजादी के बाद हमें क्या करना था निर्माण करना था कि आपको प्लॉट मिल गया आपको घर मिल गया बना लिया आपने ठीक अब आपको क्या प्लॉट मिल गया प्लॉट में आपका नाम चढ़ गया ठीक है आपने हवन पूजन करा लिया कहां से कहां तक आपका रहेगा सब बाउंड्री डिसाइड हो गई अब आपको क्या करना है एक एक ईंट रख के बेडरूम किचन अपना हॉल एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल ऊंचाई तक जाना है ये करना है और ये हम अब तक करते आ रहे हैं सैंतालीस के बाद अब जब आप करेंगे तो चुनौतियां भी आएंगी कभी मजदूर नहीं मिलेंगे कभी जो है छत गिरने लगेगी कभी इधर संभालेंगे इधर बिगड़ेगा ये सब होता रहा है राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में इसका आशय होता है एक स्वतंत्र संगठित और न्यायपूर्ण व्यवस्था की रचना यानी एक इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइज और एक जस्ट जस्ट यानी जस्टिस से भरा हुआ पूरा आ, इसको अरेंजमेंट ठीक है यानी वहां पर स्वतंत्रता हो सबको फ्रीडम हो सबको सब एक साथ मिलजुल कर रहे और जस्टिस मिले इस रूप में राष्ट्र निर्माण का जनमानस द्वारा राष्ट्र चयन बन जाता है बिल्कुल ठीक बात जैसे हुआ ना कि विभाजन के बाद कौन कहा जाएगा चयन हो गया तो जब हम सब मिलकर ऐसे ऐसे इस सुसंगठित एकीकृत सुसज्जित बन जाते हैं और प्राकारांतर से राजनीतिक व्यवस्था को स्वायत्त और वैध ठीक यानी इसको अपना एक, एक स्वायत्तता मिल जाती है और वैधता यानी लीगैलिटी मिल जाती है कि हाँ एक देश है और ये इंपॉर्टेंट रूप से तब राष्ट्र का निर्माण धीरे धीरे होना शुरू होता है कि सब लोग एक साथ मिल गए सब ने स्वीकार किया कि हा एक व्यवस्था रहेगी उसको स्वायत्ता मिली हुई है और सब ने उसको रिकोगनाइज किया है और उसको एक लीगल्टी मिली है और यहाँ दो बात पर और ध्यान देना चाहिए पहली बात है कि राष्ट्र एक पशु या सावयव नहीं है अतः इसका विकास हमेशा एक ही तरफ हो ऐसा आवश्यक नहीं विभिन्न समाजों में इसके भिन्न भिन्न चरण और आयाम हो सकते हैं पहली ये बात नोट कर लीजिएगा इसीलिए मैंने कहा ना कि चुनौती थी कि इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी करें कि राष्ट्र कई चीजों से मिलकर बना है है ना संस्कृति खेल कूद खान पान अर्थव्यवस्था मॉन्यूमेंट्स त्यौहार तरह तरह से चीजें और इसलिए विकास एक केवल आर्थिक विकास हो रहा हो इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी नहीं सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए सामाजिक विकास भी होना चाहिए बौद्धिक विकास भी होना चाहिए हर आयाम यानी जिसको कहते हैं ना मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऐसा ऐसा राष्ट्र निर्माण हो ठीक बहुमुखी विकास आगे बात समझ में तो एक ये नेशन बिल्डिंग में पहली बात तो नोट कर लेने वाली है कि एक तरफा यह नहीं होगा दूसरा राष्ट्र निर्माण का जो मॉडल विकसित देशों के संदर्भ में अपनाया जाता है वह मापदंड तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के संदर्भ में नहीं अपनाया जाना चाहिए ठीक बात है मैंने अभी बताया जो विकसित देश होगा वो क्या करेगा वो बोलेगा अच्छा अच्छा सब ठीक है, सब गुड़ -गुड़ चल रहा है बात और हम खूब जबा के टैक्स वसूलेंगे अब भारत जैसे देश या जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है जो अभी भी आजाद हुई उनमें आप क्या करोगे वहां बोल दो किसानों पर टैक्स लगा के हम दो हजार रुपए टैक्स लेंगे चलेगा क्या ये मॉडल इट मीन दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट A particular model which is been seen in the developed countries need not to be implemented in the नॉट countries because their economy and their social conditions will not justify it. तो जो विकास के मॉडल पहला तो आपने देख लिया कि एक तरह का विकास नहीं होगा ये जान लीजिए एक तरह का राष्ट्र निर्माण नहीं होगा कई आयाम में होना चाहिए दूसरा जो विकसित देशों में मॉडल चल रहा हो वो मॉडल आपके यहां भी लागू हो जाए और अच्छा काम करे इसकी कोई गारंटी नहीं दूसरे शब्दों में विकासशील राष्ट्रों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का आकलन विशिष्ट संदर्भ में ही किया जाना चाहिए यानी एक पर्टिकुलर संदर्भ देखिए आपकी भाई क्या यह चीज यहां पर काम करेगी क्या ये चीज इसके यूज की है क्या ऐसे आगे बढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं ऐसा नहीं कि आप आज आजाद हुए कल देखा आपने अमेरिका की तरफ अब अमेरिका में ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्या है खूब सरकार टैक्स वसूल रही है सरकार किसी के वेलफेयर पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार को लग रहा है सब जीवन जी सकते हैं वही अपने यहाँ लगा दीजिए उसके बाद खत्म कहानी तो ये नहीं होना चाहिए संदर्भ आपको हमेशा देखने चाहिए ठीक है तो ये एक भूमिका आपको राष्ट्र निर्माण का मतलब समझ में आ गया राष्ट्र निर्माण के तरफ क्या हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना यह समझ में आ गया और कैसे राष्ट्र और निर्माण एक साथ जुड़े हैं और उसकी दिशा क्या होनी चाहिए इस पर हमने बातचीत की अब हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में नेहरू का दृष्टिकोण मैंने आपको शुरू में बताया कि नेहरू का दृष्टिकोण जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण के समय लीड करने वाले नेता थे ये पहले प्रधानमंत्री थे और इनकी सोच और राष्ट्र निर्माण की दिशा भी हम मैच कराने की कि किस तरह आगे बढ़ी हमने कैसे पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया उसके उद्देश्य उनके उनके अगर हम उद्देश्यों को देखें और दृष्टिकोण को मिलाना चाहें तो उससे क्या समानता दिखती है और क्या प्रमुख दृष्टिकोण और धारणा इनकी रही इस पर थोड़ी बात करते हैं और समझते हैं कि राष्ट्र निर्माण में नेहरू का दृष्टिकोण आखिर किस प्रकार का था अब देखिए अधिकांश औपनिवेशिक राष्ट्रों ने स्वतंत्र होने के बाद भी उसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा जो उनके साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में स्थापित किया था देखिए जहां पर भी गुलाम बनाया गया था जिन देशों को भी जिसको कॉलोनियल या साम्राज्यवाद कहते थे तो जो देश स्वतंत्र हुए ना उन्होंने उस व्यवस्था को बनाए रखा उस व्यवस्था को तुरंत चेंज नहीं किया भारत में भी ऐसा था भारत उसका कोई अपवाद नहीं था अपवाद मतलब कि हमने भी बहुत सारी नियम कानून शासन चलाने की व्यवस्थाएं काफी कुछ जो है वो ब्रिटिश काल में जो चल रही थी उसी को चलने दिया अगर आप भारत का संविधान उठा के देखें तो जो इंडियन आ, आ, जो भारत सरकार अधिनियम बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 में आ, उसमें आपको बहुत सारी चीजें उसे से मैच करती हुई दिखाई देंगी जाए ठीक है तो भारत ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो थी वो उसी जमाने की रखी थी जो औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल बोलते हैं जब हम गुलाम थे स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का शीर्ष हुआ यानी कि हमने फिर राष्ट्र निर्माण करने का अब जाहिर सी बात है कि सरकार के मुखिया नेहरू थे तो नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया उन्नीस में अपनी सोवियत यात्रा के दौरान नेहरू ने सोवियत संघ की नियोजित विकास की पद्धति से अत्यंत प्रभावित हुए यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको पहले भी चर्चा किया कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों जो नियोजित विकास है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लांट डेवलपमेंट ठीक नियोजित विकास जिसमें क्या हम करते हैं प्लानिंग कर करके विकास करते हैं और वहां पंचवर्षीय योजनाओं का क्योंकि 1917 में रशियन क्रांति हुई बोल क्रांति फिर स्टालिन नेलिन इन लोगों का दौर चल रहा था और वहां पर जो है पंचवर्षीय योजनाएं या प्लान विकास या प्लान डेवलपमेंट की बात चल रही थी तो सोवियत संघ की जब उन्नीस में यात्रा की थी जवाहरलाल नेहरू ने तो इस प्लान से से बड़े एक तरह खुश थे या बड़े उससे प्रभावित थे हाँ, तो तो सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इस तरह का मॉडल तैयार भी किया था स्वतंत्रता के पूर्व नेहरू के दो आदर्शों की बहुतायत से चर्चा करते रहे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता निपेक्षता यह बात ठीक है तो हमेशा से नेहरू का दो एजेंडा बहुत फिक्स था समाजवाद वो समाजवाद जिसकी चर्चा मैंने की जिसमें क्या होगा जिसमें हर व्यक्ति के तक जो संसाधन है उनका समान पुनर्वितरण किया जाएगा जिसमें सबकी चिंता राज्य करेगा जो कल्याणकारी राज्य बनाने पर क्या होगा एग्री होगा और दूसरा धर्मनिरपेक्षता मतलब ये की कि कि किसी धर्म को हम अलग सभी धर्मों से अलग हो जाए ऐसा नहीं सभी धर्मों में समान भावना रहे सभी धर्मों के प्रति आदर रहे सभी धर्मों को हम लेकर चलें ऐसी दो भावनाएं नेहरू हमेशा से चाहते थे कि राष्ट्र निर्माण में चलती रहे तो एक तो आप इनका जब मूल्यांकन करेंगे तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन दो शब्दों को आप जरूर लेकर चलेंगे और दोनों शब्द आज हमारे संविधान के प्रस्तावना में है हालांकि धर्मनिरपेक्षता नहीं इसके जगह पर पंथ निरपेक्षता है जो बाद में जोड़ा गया स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से नेहरू ने नियोजित अर्थव्यवस्था जिसको क्या बोलते हैं प्लान इकोनॉमी तीव्र गति से औद्योगिकरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद और आधारित संसदीय लोकतंत्र पर बल दिया दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी चार पांच चीजें हैं सबसे पहले अगर देखें तो संसदीय लोकतंत्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखिए दो तरह का होता है एक पार्लियमेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आ, संसद नहीं होती है लेकिन थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है जैसे अमेरिका में क्या है संसद एक अलग पार्ट है और वहां की कार्यपालिका जो है जो जो राष्ट्रपति होते हैं मंत्रिमंडल होता है वो अलग से चुने जाते हैं वो संसद से इवॉल्व नहीं होते हमारे भारत में क्या है संसद के सदस्य चुने जाएंगे वहीं से सरकार चुनी जाती है जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी हैं तो वो संसद के भी सदस्य हैं और अगर उनको प्रधानमंत्री बनना है तो संसद में जो दो सभाएं हैं लोकसभा राज या राज्यसभा किसी एक का मेंबर होना पड़ेगा ऐसे ही जो भी मिनिस्टर होते हैं मंत्रिमंडल जो होता है उनके भी सभी सदस्यों को लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना होता है जो राष्ट्रपति पद्धति वाली सिस्टम होती है उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं होता ठीक तो हमारे भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी यानी एक ऐसा लोकतंत्र जिस जो लोगों के द्वारा चुना जाए और उसी में से सरकार इवॉल्व होकर निकले और सरकार सेवा करे उसके जो नेहरू के अनुसार जो उसका थॉट या उसकी विचारधारा होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए एक तो वो नियोजित अर्थव्यवस्था को लेके चले अर्थव्यवस्था क्या होती है अर्थव्यवस्था पूरे सिस्टम को बोलते हैं वैसे अगर आप इकोनॉमिक्स के तौर पर डिफाइन करना चाहें तो जो आर्थिक क्रियाओं का पूरा योग या संरचना होता है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है ठीक है इस बात को आप ध्यान रखिए जैसे मान लीजिए आपके आपका देश है और अर्थव्यवस्था क्या होती है ये सारी चीजें आप समझते चलिए तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे अर्थव्यवस्था क्या, क्या होती है आर्थिक क्रियाओं का योग यानी आप देश में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं देख रहे हैं आर्थिक क्रिया क्या होती है पैसा रुपया कमाने के लिए जीविका कमाने के लिए जो भी कुछ किया जाता है उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं और तीन भागों में डिवाइड किया गया है इसको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक आपको तो चतुर्थम पंचम तक पहुंच गए हैं यह प्राथमिक क्षेत्र कृषि से जुड़ा होता है द्वितीयक क्षेत्र उद्योग से जुड़ा होता है और तृतीय क्षेत्र सेवा से जैसे कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है ना ये सारी चीजें अब क्या है कि उन्होंने कहा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था अर्थ होगी वो क्या होगी नियोजित होगी नियोजित होने का अर्थ ये है कि हम इसको क्या करेंगे प्लांट करेंगे प्लान करेंगे और बेसिकली क्या है पंचवर्षीय योजनाएं हमने की इसके लिए हमने क्या किया हमने पंचवर्षीय योजनाओं के लिए फिर प्लानिंग कमीशन भी बनाया इसकी चर्चा करूंगा तो आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है जो भी इन क्षेत्रों में काम किया जाता है सबको अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था बन जाती है तो नेहरू का विचार था कि ये नियोजित अर्थव्यवस्था हो यानी ये ऐसा ना हो कि अपने आप किसी भी दिशा में चल रही है हम एक निश्चित प्लान तय करें प्लान के अनुसार आगे फिर काम करें आगे बात समझ में तो एक तो ये इंपॉर्टेंट था दूसरा आगे नियोजित विकास की राजनीति हम पढ़ेंगे एक चैप्टर में उसके बाद था तीव्र गति से औद्योगिकरण यानी कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी ध्यान दें इसलिए जब हमारा आ, आ, हमने जब शुरुआत करी तो शुरुआती फाइव ईयर प्लांट्स में हमने क्या किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी एक बड़ा मुद्दा बनाकर महान लोबिस प्लान और इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक अपना ध्येय बनाकर आगे बढ़े तो तीव्र गति से औद्योगिकीकरण किया विज्ञान और प्रौद्योगिकरण का विकास यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करें यह जरूरी था आप देखिए उन्नीस के आसपास ही भारत में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर आई टी खड़गपुर बन गया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जब अब्दुल कलाम आजाद जब शिक्षा मंत्री थे धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग इनका था कि भैया हमें धार्मिक उन्माद नहीं चाहिए और हम क्या करेंगे हम एक सेकुलरिज्म इसको अंग्रेजी कहते हैं सॉरी और सोशलिज्म और सोशलिज्म के बारे में बताई चुका हूं तो ये, ये इस पर आधारित एक संसदीय दृष्टिकोण था, ये इनका विजन था। तो ये आप नेहरू से संबंधित चार पांच चीजें बिल्कुल नोट डाउन करके रख सकते हैं जो आपको बहुत काम आने वाली है अपनी गुट निरपेक्षता की नीति द्वारा उन्होंने विश्वव्यवस्था में भारत को एक सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाने का प्रयास किया अब यह गुट निरपेक्षता की भी चर्चा कई बार हुई है मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 1945 में दुनिया दो भागों में बट गई थी एक था सोवियत संघ और एक था क्या अमेरिका सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चल रहा था और दुनिया के आधे आधे देश उसके पीछे लग रहे थे गुट में शामिल हो रहे थे भारत नया आजाद हुआ था भारत ने बोला कि हम ऐसे किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और उसके साथ कुछ देश थे जैसे मिस्र था इंडोनेशिया था आ, मार्स कर्नल टीटो का नाम आपने सुना होगा इस तरह के कई राजाओं के नाम आए थे मैंने उसकी चर्चा भी की सॉरी नेताओं के नाम आए थे मैंने चर्चा भी की है तो, नासरी। तो अब इन इन नेताओं ने मिलकर क्या हुआ गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और या आप कह सकते हैं कि जिसको जिसकी अगुवाई कर रहा था भारत और इसका मतलब क्या था कि हम दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे ना हम अमेरिकी गुट में शामिल होंगे ना हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे हम दोनों से बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो दो गुट बना है जिससे शीत युद्ध चल रहा था तनाव चल रहा था उसको खत्म करने का प्रयास करें तो नेहरू ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई और गुट निरपेक्षता की नीति वहां पर अपनाया था और इससे क्या हुआ भारत का एक अलग सम्मान बना समान बनना इन द सेंस कि हमारी जो संप्रभुता थी हम किसी गुट में शामिल होते तो हम उसके चेले बन जाते उसी के हिसाब से चलते हमने कहा नहीं नहीं हम बहुत गुलाम रह लिए हम अब आजादी से जीवन जिएंगे हम जो है एक स्वतंत्र उनके साथ हमेशा आप ऐड करके चलेंगे नेहरू ने अपने विकास के मॉडल को धर्म निरपेक्षता बहुलवाद तथा जन कल्याण जिसको आप वेलफेयर कहते हैं ना वेलफेयर स्टेट जन कल्याण और औद्योगिकीकरण पर आधारित किया तो उनका ये मानना था कि हमें समाजवाद भी ले चलना है हमें इंडस्ट्रीज भी डेवलप करनी है उन्होंने बहुत सारे डैम्स बनाए और मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया नाम दिया इन इन नए नए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ये डैम वैम जो कुछ भी बन रहा था बहुत सारे जो सरकारी कंपनियां और उद्योगों को खोला गया अगर आप ध्यान से देखें तो बी एच ई एल भिलाई प्लांट है ना इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण जो है रेलवे का तेजी से और विस्तारीकरण शुरू हुआ तो ये वेलफेयर धर्मनिरपेक्षता बहुलवाद इसमें सब शामिल हो औद्योगिकरण ये सारी चीजें उनके मॉडल में उनके दृष्टिकोण में बिल्कुल समाई हुई थी इसी को राष्ट्र निर्माण का नेहरू मॉडल कहा जाता है ठीक सो दिस इज कॉल्ड द नेहरूवियन मॉडल ऑफ नेशन बिल्डिंग क्या मॉडल था भैया तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के साथ साथ औद्योगिकीकरण बहुलवाद और जो आपने चीजें देखी जन कल्याण ये ध्यान से समझ लीजिएगा इन चीजों को नोट कर लीजिएगा नेहरू के काल में भारत सरकार सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ब्रिटिश नीति और प्रशासकीय मशीनरी का अनुसरण करती रही थी। बिल्कुल ठीक बात है और बहुत देखिए ये बहुत कोई अचंभा की बात नहीं है आपके देश में कोई सिस्टम 250-300 साल से चला आ रहा है उसको आप रातों रात नहीं बदल सकते हैं दिस वॉज बट नेचुरल दूसरी बात ये थी अभी देखिए ना अभी जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में सॉक थेरेपी पढ़ा था सॉक थेरेपी क्या थी जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होने वाला था पूरी तरह उन्होंने रातों रात पूंजीवाद पर छलांग लगा दी हुआ क्या तहस नहस होने लगा सब कुछ तो हमारे यहाँ क्या था कि जो एक सिस्टम चल रहा था जो आ, आ, जो संवैधानिक प्रक्रिया कुछ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई कुछ चीजें भी तुरंत तुरंत ट्रांसफर हुई थी तो बहुत सारा प्रशासनिक तौर तरीका वो अभी ब्रिटिश ढर्रे पर ही चल रहा था विकास का कोई स्वदेशी मॉडल नहीं विकसित किया जा सके बिल्कुल ठीक बात है तो ऐसा कोई मॉडल जो बिल्कुल स्वदेशी हो बिल्कुल अपने यहां से इवॉल्व हुआ हो ऐसा कम दिखाई दिया जो नियोजित विकास वाली भी बात थी जो प्लान इकोनॉमी या फाइव ईयर प्लांट वगैरह था वो सी वो भी हम सोवियत संघ से कहीं ना कहीं एक तरह से बौरों करके लाए थे तो ये आलोचना में एक बात आप आपज्म अगर क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है तो आप कह सकते हैं कि नेहरूवियन विकास मॉडल में एक चीज जो दिखाई पड़ी वो ये कि हम वहां पर कोई स्वदेशी मॉडल विकसित नहीं कर पाए इनका विकास मॉडल कहीं ना कहीं

तो वहां से हमें देश की आजादी मिली और साथ में हमें साथ साथ में क्या मिला वो पूरा पुराना प्रशासन तंत्र एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो पुराना था भाई ऑफिस वही बिल्डिंग वही काम करने वाले कर्मचारी वही साधन वही ऐसा थोड़ी रातों रात नए सब कुछ जन्म हो गया तो उसी का उपयोग करके विकास करने की कोशिश की गई और ये जो नियोजित विकास है उसी संदर्भ में हमने बारह मार्च उन्नीस को एक योजना आयोग का भी गठन किया योजना आयोग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग कमीशन ये नेहरू का ही पूरा बेबी चाइल्ड था आ, मतलब उनके माइंड का गेम था प्लानिंग कमीशन ठीक और ये क्या था एक सलाहकारी संस्था थी जो देश में प्लानिंग करके विकास करने राज्य और केंद्र में ठीक ठाक समन्वय बनाकर संसाधनों का बंटवारा करने इसके लिए ये एक, एक एडवाइजरी बॉडी थी जो जिसके हेड हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री क्या होते थे इसके हेड हुआ करते थे तो ये प्लानिंग कमीशन आयोग है इसने भारत में लेके मतलब से लेके 2017 तक कुल तेरह पंचवर्षीय योजनाएं दी फाइव ईयर प्लान ठीक ये आप ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो उन्नीस सौ से 2017 तक कुल तेरह फाइव ईयर प्लान दे। बीच में गैप भी था प्ला जिसके प्लान हॉलीडे कहते हैं एक वर्षीय योजनाएं भी चली थी लेकिन इक्यावन से दो तक कुल तेरह फाइव ईयर प्लान यहां पर हमें इसके द्वारा दिए गए जिसका एक निर्धारित लक्ष्य बनाकर विकास करने का प्रयास किया गया हालांकि 2015 में इसे खत्म करके 2017 तक तो प्लान चल रहा था तो चलने दिया गया 2015 में इसे खत्म करके नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के काल में हुई तो ये जो नियोजित विकास की धारणा नेहरू की थी उसी का एक बहुत बड़ा अंग इसका योजना आयोग भी रहा था इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और उसका एक उपाध्यक्ष चुना जा, जाता था आगे बात समझ में अच्छा आगे देखें सुधार की प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस ने पुनर्निर्माण की प्रत्येक योजना को एक प्रशासनिक योजना में रूपांतरित कर दिया हर योजना को लगता था भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम दिया जाए प्रशासन का हिस्सा बनाया जाए उसको कांग्रेस द्वारा यथास्थिति के समर्थन के कारण ही जनमानस में कांग्रेस की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा ठीक बात है तो ये छवि पर विपरीत प्रभाव इसलिए पड़ गया कि सबको लगता था कि इसीलिए देखिए बहुत बार लाइन कही जाती है काले गोरे अंग्रेज चले गए काले अंग्रेज छोड़ गए लोगों को लगता था कि जो प्रशासनिक तौर तरीका है जो जो ढांचा है काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं अभी भी पुराने ही तरीके का दिखाई पड़ता है राष्ट्र निर्माण एक बहुआयामी प्रक्रिया है और इसके लिए नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है बिल्कुल ठीक बात है तो जो नेशन बिल्डिंग है यह मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और इसके लिए फिर नए तरीके का दृष्टिकोण चाहिए नए तरीके का काम चाहिए ऐसा नहीं है कि आप पुराने प्रशासकीय तरीकों से पुराने हथकंडों से ही नया राष्ट्र निर्माण कर लें ऐसा नहीं है तो ये चीज जो एक तरफ तो आप लोगों नेहरू का दृष्टिकोण देख लिया एक तरफ ये सच्चाई देख ली तो इसी का बैलेंस बनाकर आपको आंसर लिखना पड़ेगा स्वतंत्र भारत में पहली आवश्यकता जनमानस में एक सामूहिक चेतना विकसित करने की थी ताकि विभाजन और शरणार्थी समस्या से विचलित जनसंख्या को यह विश्वास दिलाया जा सके कि व्यवस्था उनकी सुरक्षा करने में समर्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझिए देखिए देश आजाद हुआ है नई उम्मीद है कि नई सरकार अपनी आई है उसी समय त्रासदी आ गई विभाजन की अब सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि एक ऐसा विचार पैदा किया जाए जिससे लोगों को यह लगे कि जो सिस्टम है जो व्यवस्था अब हम चला रहे हैं उससे हम आपकी रक्षा कर सकते हैं उससे हम आपको प्रोटेक्शन दिलवा सकते सकते हैं हैं उससे हम नियम कानून और शांति व्यवस्था बहाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी नेहरू के सामने खड़ी थी ठीक है आर्थिक विकास के मार्ग द्वारा आर्थिक खालीपन को भरने की त्वरित आवश्यकता थी बिल्कुल ठीक बात है तो जो इकोनॉमिक वैक्यूम बना था वैक्यूम यानी हमारी अपनी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी हमारा जो स्वदेशी कारखाने या स्वदेशी काम करने के तौर तरीके थे हमारा जो अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन था वो बिल्कुल खराब था रोजगार का स्तर बिल्कुल डाउन था ये जो खालीपन था था उसको भरने के लिए आर्थिक विकास बहुत जरूरी था। और इसीलिए हमने पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित की जिसको डोमर मॉडल प्लान कहते हैं मैं अगली नियोजित विकास वाली राजनीति में डिटेल में बताऊंगा दूसरा हमने क्या किया तुरंत इंडस्ट्री पे हमने स्विच किया तुरंत औद्योगिकरण की तरफ स्विच किया तो यह जरूरी था कि हम आर्थिक विकास से तुरंत इसको भरें आर्थिक पुनर्निर्माण की तुरंत आवश्यकता थी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन की बहुत जरूरत थी ब्रिटेन से आयातित संसदीय लोकतंत्र और नौकरशाही का ढांचा जनमानस की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका यह बिल्कुल कड़वा सच है तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मंगाई एक ब्रिटेन से एक तरह से कॉपी किया जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जो थी जैसे वहां पर प्रशासकीय ढांचा है नौकरशाही का हमने भी लागू किया पर कहीं ना कहीं जो हमारा जो लक्ष्य था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास ये उसको पूरी तरह ठीक नहीं कर पा रहा था यानी आप कह सकते हैं कि उसको जो विकास के लिए जरूरी चीजें थी वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था तो एक चीज ये दिखाई पड़ रही थी बहुत क्लियरली ठीक है तो ये आपने नेहरू का दृष्टिकोण देखा नेहरू का दृष्टिकोण क्या देखा दो चार चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा समाजवाद नियोजित अर्थव्यवस्था धर्मनिरपेक्षता औद्योगिकरण पर बल और संसदीय लोकतंत्र ये चार पांच ऐसी चीजें हैं जो नेहरू का बहुत पेट आइडिया था कि हमको इसे लेके चलना है क्रिटिकली एग्जामिन करने की अगर बात आएगी तो ये आप कह सकते हैं कि आ, इन इन नियोजित अर्थव्यवस्था से या पहले से जो आर्थिक खालीपन या बदहाली थी इसको भरने के लिए एक नए दृष्टिकोण नए आइडिया की जरूरत थी लेकिन हम कहीं ना कहीं ब्रिटिश दृष्टिकोण आईड और उसकी आइडियाज़ का ही ये पूरा फ्रेमवर्क लेकर फॉलो करते रहे जिसके कारण उस तरह के रिजल्ट देखने को नहीं मिले जिस तरह के रिजल्ट या रिटर्न की उम्मीद की जा रही थी तो ये एक आपने ठीक से बहुत अच्छे तरह से समझ लिया और उस समय त्रासदियाँ तो बहुत थी ही चैलेंजेस तो बहुत थी ही उसी चैलेंज में एक बहुत बड़ा चैलेंज था विभाजन की विरासत यानी एक तरह से त्रासदी अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी 1940 के आसपास से ही तरह तरह के प्रयास चल रहे थे अगस्त प्रस्ताव वैवल योजना कैबिनेट मिशन क्रिप्स मिशन तरह तरह की शिमला समझौता कई तरह की बातें हुई और मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस दोनों को समझाने का भरपूर प्रयास हुआ पर वो सफल नहीं हुआ और अंत में डिक्लेयर ये हुआ माउंट बैटन प्लान भी आया कि भाई भारत और भारत का बंटवारा होगा और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बनेगा अब ये इतना सिंपल नहीं था उसमें ये हुआ कि भाई जो पंजाब से इधर पूर्वी एरिया है पूरा पूर्वी पाकिस्तान जिसमें आज जो आज पाकिस्तान के राज्य हैं खाइबर पख्तनवा पंजाब है ना जो पूरा सिंध बलूचिस्तान तो तीन चार राज्य हैं वो इधर और आज आप जो बांग्लादेश देख रहे हैं यानी कि पूर्वी पाकिस्तान दो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो तरीके के जमीन इसको दी गई और इस तरह देश, देश का बंटवारा हो गया अब देश का जब बंटवारा हुआ तो ये इतनी शांतिपूर्ण तो होना नहीं था बहुत भयंकर दंगे हुए लूटपाट हुई लाशों की लाश ट्रेन भरकर आने लगी बहुत सारे इसी के साथ जो समस्या जुड़ गई वो जुड़ गई शरणार्थियों की क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग अपना घर संसार सब छोड़ छोड़ के यहाँ आ रहे थे यहाँ से भी बहुत सारे लोग जा रहे थे तो ये त्रासदियाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी तो भारत का विभाजन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है परंतु जिस प्रकार जिन परिस्थितियों में अब विभाजन संपन्न हुआ वो भारत के लिए एक त्रासदी थी ये बिल्कुल ठीक बात है तो जिस तरह से ये विभाजन किया गया कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी बहुत बड़ी समस्या थी विभाजन की पृष्ठभूमि में कतिपय निश्चित कारण थे जिसकी चर्चा करनी आवश्यक है कि विभाजन क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ और उसके क्या क्या परिणाम देखे गए अब देखिए अब जरा विभाजन के अगर कारणों को देखें तो एक तो मुस्लिमों की सांप्रदायिक भावना यहां पर एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूं मैं यहां पर विशेष रूप से लीडरों की बात की गई है ज्यादातर जो जो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना रहमत अली इन जैसे लोग जो थे जो मुस्लिम लीडर्स थे उनकी जो भावना थी किस तरह की भावना कि भाई हमें यहां एक साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी है हम अलग चाहते हैं द्विराष्ट्र चाहते हैं तो सदियों के साथ रहने के बावजूद मुस्लिम हिंदुओं के संदर्भ में भाईचारे की भावना का विकास नहीं कर सके तो दोनों में जो भाईचारे का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया कई मोमेंट्स पर हुआ स्वदेशी आंदोलन में देखा गया असहयोग आंदोलन के समय खिलाफत में देखा गया लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी कूटनीतिक चाल जो अंग्रेजों ने चली ये भावना विकसित नहीं हो पाई मुस्लिमों ने एक लंबे समय तक अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारों से भी अपने को पृथक रखा जिसके कारण उसे उसमें धर्मांधा बनी रही तो इसमें यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है धीरे धीरे मुस्लिम में यह भावना प्रबल हो गई कि उनके हिंदू हित हित हिंदुओं के हित से पृथक है और ये भावना बनाने में मैं फिर कह रहा हूं कि वही नेताओं का ज्यादा हाथ था उनको लगा कि नहीं, नहीं नहीं हम इस देश में एक साथ नहीं रह पाएंगे हमें एक अलग राष्ट्र की विकास करना पड़ेगा मोहम्मद इकबाल जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस भावना को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया तो ये जो जिन्ना है मुस्लिम लीग मोहम्मद इकबाल इस तरह के लोगों ने बार बार ये कहा कि भाई हमें एक अलग राष्ट्र की विकास करना पड़ेगा हमें एक अलग देश का विकास करना पड़ेगा एक साथ हितों को हम नहीं साधा कर सकते दूसरा कारण था अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी इसमें कई प्रयास किए गए बार बार अंग्रेजों ने इस तरह के प्रयास किए कि कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई बनाई जाए कैसे गैप बनाया जाए जिस गैप का फायदा उठाकर वो अपनी सॉरी राजनीति करते रहे जैसे उदाहरण के लिए उन्नीस में मॉर्ले मिंटो सुधार हुए और इसमें उन्होंने क्या किया मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने का एक तरह से घोषणा कर दिया जिससे कि वो अपने आप को अलग समझे और हिंदुओं में विशेष तरह की भावनाहीन भावना तो अंग्रेजों ने 1870 से ही मुस्लिमों को संरक्षण देना प्रारंभ किया 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन, जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड एक तरह का सांप्रदायिक निर्वाचन का मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया अंग्रेजों ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत थे ऑफ टू नेशन का समर्थन किया और मुस्लिम लीग को समस्त संभव सहयोग प्रदान किया जिसका परिणाम अंततः भारत विभाजन के रूप में निकला तो जो टू नेशंस थियरी थी जिसमें यह कहा गया कि भाई दो देश चाहिए इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी इसको उसको अंग्रेज कहीं ना कहीं हवा भी दे रहे थे लास्ट में माउंट बैटन प्लान चाहिए तो निश्चित भी हो गया तो ये बार बार अंग्रेज इसको हवा देते रहे ताकि हिंदू मुस्लिम एकता ना हो नहीं तो उनके खिलाफ वो लड़ेंगे हमारे खिलाफ लड़ने इससे अच्छा है कि वो आपस में लड़ते रहें ये राजनीतिक चाल होती है तो इससे मुस्लिम लोग को बहुत संभव प्रया एक तरह के समर्थन मिलता रहा एक तरह का उनको हवा मिलती रही और फिर भारत का विभाजन इसमें देखने के लिए मिला तीसरा कारण हुआ मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस के तुष्टुकरण की नीति तो कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर मुस्लिम लीग की अनुचित मांग को स्वीकार कर लिया और लखनऊ समझौता एक बड़ी भूल थी बिल्कुल ठीक बात है देखिए लखनऊ समझौता से पहले भारत सॉरी मुस्लिम और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई सामंजस्य बहुत था नहीं लेकिन एक साथ जोड़ने के चक्कर में हमने कई सारी ऐसी मांगे मुस्लिम लीग की थी जो हमेशा मानते रहे इसलिए मुस्लिम लीग को एक बढ़ावा मिलता रहा एक हवा मिलती रही और जिन्ना को अनावश्यक रूप से एक बड़ा नेता बनने का मौका मिलता रहा जिसके कारण क्या हुआ जिसके कारण मुस्लिम लीग का मन बढ़ता गया कांग्रेस ने सिद्धांतों को छोड़कर भी मुस्लिम लीग से समझौते किए इससे मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ता रहा और अंत में भारत विभाजन का परिणाम देखना पड़ा चौथा अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाना तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल करने की सरकार की कार्यकारिणी विभाजित हो गई जिससे कारण वह हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में असमर्थ हो गई कांग्रेस को बाध्य होकर विभाजन स्वीकार करना पड़ा तो जो आजादी के बाद हमने इंटरिंग गवर्नमेंट बनाई उसमें मुस्लिम लीग को शामिल कर लिया और वहां से फिर मुस्लिम लीग दंगों को रोकने या उसको कंट्रोल करने में उनके मंत्री या उनका जो उनका जो कार्य था वो कोई सहयोगी नहीं करता था बल्कि जिन्ना तो डायरेक्ट सोलह अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे बुलाते थे इसमें मारकाट होती थी तो इससे भी लास्ट में घुटने टेक कर विभाजन को स्वीकार करना पड़ा अब आते हैं जो हमारा मुख्य कारण चलो कारण तो अलग बात हो गई हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर ज्यादा बात कर रहे हैं कि इन विभाजन से समस्या क्या पैदा हुई इससे परेशानियां क्या हुई तो भारत विभाजन के परिणाम के विषय में विद्वानों में मतभेद है पर स्पीयर का मानना है कि विभाजन आवश्यक था और भारत के हित में था अब इसमें कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह विभाजन नहीं रुक सकता था और बल्कि भारत के हित में ही हो गया अच्छा भी हो गया उनके शब्दों में यदि भारत विभाजन न हुआ होता तो हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते भारत की औद्योगिक प्रगति रुक जाती पंचवर्षीय योजनाएं कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाती और भारत का निर्माण पंडित नेहरू के आदर्शों के आधार पर न हो पाता क्योंकि देखिए पहले से ही बहुत सालों से ये दंगे हो रहे थे उस समय खासकर जो दंगों में विश्वास रखने वाले लोग थे उन्होंने देश छोड़ भी दिया जो यहाँ रह गए उनको कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता या भारत में विश्वास रहा तो बहुत दिनों तक दंगों वाला माहौल थोड़ा शांत रहा वो विभाजन का समय थोड़ा हुआ उसके बाद शांत रहा तो बहुत विद्वान मानते हैं कि अगर ये विभाजन नहीं होता जिन्ना जैसे नेता यहीं रह जाते कुछ लोग मुस्लिम जो चले गए यहीं रह जाते तो शायद ये दंगा हमेशा होता रहता और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिन आदर्शों पर निर्माण देश प्रगति करने की का प्रयास था वो शायद सफल नहीं हो पाता लाल बहादुर शास्त्री का मत है कि कांग्रेस का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि यदि भारत का विभाजन न होता तो मुस्लिम अधिक अधिकार का उपयोग करते तो ये लाल बहादुर शास्त्री का मत है देश की एकता ही अधिकार पर उचित थी मुस्लिमों को संतुष्ट करने के स्थान पर सभी के साथ समान व्यवहार किए जाने की नीति अपनाई गई होती तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि शायद सबको समान लेकर चलने की बात ज्यादा की गई होती मुस्लिमों को केवल संतुष्ट करने की बात नहीं की गई होती कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत विभाजन को भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से गलत माना उनके अनुसार विभाजन से अनेक समस्याएं पैदा हुई जिसमें से कुछ भारत अभी भी जूझ रहा है इन समस्याओं में प्रमुख थी शरणार्थी समस्या यही इन समस्याओं पर हमारा थे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्यूजी इशूज ठीक है रिफ्यूजी वाला मामला अब उसमें हुआ क्या कि ये जो यहाँ जो आजादी के लिए जो विभाजन के बाद लोग थे तो मान लीजिए पाकिस्तान से जो भारतीय या हिंदू भारत आए वो आकर बहुत बड़े बड़े कैंपों में बसने लगे या जिनके साथ दंगे हुए थे परेशान थे वो कैंपों में बसने लगे और उनको खिलाना पिलाना उनको व्यवस्था करना ये बहुत बड़ी समस्या भारत को झेलनी पड़ी शरणार्थी द्वारा अपने देश में छोड़ी गई संपत्ति की क्षतिपूर्ति की समस्या अब मान लीजिए कोई व्यक्ति वहां पर 50 बीघे जमीन छोड़कर आया यहाँ आया है अब वो कहेगा इतना बड़ा मालिकियत में छोड़ के आया हूँ मुझे उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए राजकीय संपत्ति के बंटवारे की समस्या नहर पानी का विवाद भारत पाक सीमा विवाद ये सारे विवाद मुंह खाल खोले खड़े थे कि हमारा सीमा कहां तक होगा नहर नदियां कैसे बटेंगी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा ये सारी समस्याएं जो हैं कहीं ना कहीं प्रबल रूप से हावी थी अब अगर शरणार्थी पुनर्वास की ही बात करें जिसको आप रिफ्यूजी रिसेटलमेंट कहते हैं तो भारत विभाजन के चलते जो समस्याएं पैदा हुई उनमें कदाचित शरणार्थी समस्या सबसे प्रमुख समस्या थी कि कैसे जो लोग छोड़कर आए हैं उनको एक तरह से सेटलमेंट दिया जाए विभाजन के कारण लगभग एक करोड़ शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए और लगभग इतने ही भारत से पाकिस्तान चले गए तो विभाजन के कारण जो एक करोड़ रिफ्यूजि थे वो पाकिस्तान से भारत आ गए और इतने ही लोग भारत से पाकिस्तान चले गए अब सबको सेटल कराना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था इस समस्या का स्वरूप क्या था शरणार्थी समस्या था कैसा तो विभाजन के समय मुख्यतः दो प्रकार के अल्पसंख्यक समूह थे मुस्लिम और सिख विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों ही समुदाय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्मूलित हो गए तो ये दो जो लोग थे सिक, देखो सिखों के साथ उससे समस्या हुई कि जो पंजाब का डिवीजन हुआ क्योंकि पंजाब से ही वो पूरा विभाजन शुरू हुआ तो उससे सिख बहुत प्रभावित हुए सिखों को बहुत ज्यादा ये नहीं था कि हम अलग राष्ट्र हो जाएं या बड़ा उनको कोई हीन भावना थी लेकिन सिखों को उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा और मुस्लिमों के साथ तो समस्या हुई ही विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों ही समुदाय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक तरह से उन्मूलित हो गए पाकिस्तान बनने के बाद जो मुस्लिम भारत में रह गए उन्हें पूर्व काल में प्राप्त कई लाभों से वंचित होना पड़ा जैसे नौकरी में आरक्षण सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र ये सारी चीजें उस समय रोकी गई इसके अतिरिक्त भारत में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लागू किए गए उनमें से तमाम को मुस्लिम लीग ने इस अर्थ में लिया कि वे सिर्फ उन्हें सताने के लिए लागू किए गए तो मुसलमानों को बार बार ये प्रयास किया गया बताने का कि देखिए आपने भारत में रोके बहुत बड़ी गलती की है ठीक है उदाहरण के लिए मुस्लिम अभिजात वर्ग ने जमींदारी उन्मूलन के प्रति कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की इस समय भारत में मुस्लिम नेतृत्व में दो समूह थे अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष समूह और दूसरी पृथकतावादियों का समूह जो किसी कारण से पाकिस्तान नहीं जा पाया बिल्कुल ठीक बात है तो पाकिस्तान नहीं भी गए तो भी कुछ ऐसे कट्टरवादी या पृथकतावादी लोग थे जिनको लगता था कि नहीं नहीं हमारे साथ यहाँ जाति हो रही है हमें आ रुक गए तो हमने बड़ा एहसान कर दिया और हमें आप सनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक अबुल कलाम आजाद थे जो बार बार लाल किले से भी चिल्लाते रहे कि ये हमारा वतन है हमें इससे वफादार रहना है हमें इससे यहाँ जो सुख सुविधाएं मिलेंगी वो कहीं नहीं मिलेंगी तो ये द्वंद भी मुसलमानों में हमेशा चलता रहा सिखों की समस्या भी कठिन थी उनका जीवन ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में विनष्ट हो गया पश्चिमी पंजाब में बड़े काश्तकार अपने जमीनों से वंचित हो गए जो वहां पर का बड़े बड़े काश्तकार थे पंजाब के तरफ और इनमें से अधिकांश ने पूर्वी पंजाब में अपने को स्थापित करने का प्रयास किया तो जो भारत वाले हिस्से में पंजाब था उसमें से स्थापित होने का उन लोगों ने प्रयास किया उद्यमियों को फिर से अपने उद्यम यानी कि इंडस्ट्री की शुरुआत करनी पड़ी सिख अब विस्थापित थे और निरंतर चलायमान थे उन्हें यह नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं और न ही उनके पास कोई साधन था कि वे अन्य समूहों से संबंधित कर सकें तो बस समस्या इनके सामने बहुत जटिल थी इस प्रकार की स्थितियों में सिखों के एकीकृत एक नेतृत्व तो की आशा नहीं की जा सकती थी यह सत्य है कि मुस्लिम और सिख दोनों ही विस्थापन के शिकार थे परंतु तो इन समुदायों की परेशानी में कुछ भिन्नता थी तो मुस्लिम और सिख दोनों को अपनी अपनी जगह छोड़नी पड़ी पर कहीं ना कहीं इनकी जो समस्याएं थी इनका जो विस्थापन था उसका कारण अलग था उसका नेचर अलग था उनकी समस्याओं का एक बहुत अलग नेचर था जैसे मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान एक विकल्प था लेकिन सिखों के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं था इसीलिए कुछ वहां के भी कट्टर लोगों ने फिर खालिस्तान की मांग शुरू कर दी उन्हें भारत में रहना था इसलिए उन्हें संघर्ष स्वीकार किया सिख जहां भी गए स्थानीय जनता के साथ घुल मिल गए और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने देश निर्माण निर्माण में 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 और समाज के में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई चूंकि पंजाब कृषि भूमि के आकार में कमी आ गई अतयो सिख जोतदार ने अपनी भूमि स्वतः जोतनी शुरू कर दी अब जो जितना उनको पहले जोतने के लिए जमीन मिलती थी उतनी तो रहने गई छोटे छोटे वहां पर खेत मिले तो उन्होंने खुद उसको जोतना शुरू किया पहले वर्ग अपनी भूमि बटाई पर दे दिया करता था सिख कृषक अधिकांशतः तराई क्षेत्र में तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में जाकर बस गए अनेक स्थानों पर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया या एक महत्वपूर्ण बात थी कि जहां मुस्लिम हमेशा अपने आस पड़ोस के लोगों में के प्रति सशंकित रहे वही सुखी लोगों ने स्थानीय लोगों पर हमेशा विश्वास किया ये सबसे अच्छा नेचर सिख का था और आज भी आप सिख को देखिए सबसे ये ऐसी कम्युनिटी है इसमें कोई दो राय नहीं है जो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी कम्युनिटी कि जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं जो सभी अपने जो देश की जीडीपी है उसमें बहुत मेहनत से कंट्रीब्यूट करते हैं खेल कूद में भी बहुत आगे रहते हैं आर्मी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है सभी लोगों में अपना विश्वास करते हैं और सभी लोगों में अपना विश्वास बनाते हैं इसीलिए ये कम्युनिटी फिर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से डेवलप भी हो गई और आज अच्छे स्थिति में भी है ठीक है अब जो शरणार्थियों की समस्या आई उसका प्रभाव क्या देखने को मिला ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है शरणार्थी तो द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति की समस्या ठीक यानी जो उन्होंने संपत्ति छोड़ी है उसको कैसे एक तरह से कंपनसेट किया जाए ये बड़ी बात थी तो शरणार्थी द्वारा अपने देश में छोड़ी गई संपत्ति की क्षतिपूर्ति एक बड़ी समस्या थी ठीक है और विभाजन परिणाम स्वरूप करीब एक करोड़ गैर मुस्लिम पाकिस्तान से भारत तथा करीब पच्चीस लाख मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गए ठीक है चुनौती है तो ये इतना चेंज हुआ सांप्रदायिक दंगों के कारण इन्हें अपनी अपनी संपत्ति अपने देश में छोड़नी पड़ी ये बात ठीक थी गैर मुस्लिमों ने लगभग पचास हजार लाख रुपए की संपत्ति पाकिस्तान छोड़ी तथा भारत छोड़ने वाले मुस्लिमों ने लगभग दस हजार लाख रुपए की जायदाद भारत छोड़ी यानी दोनों कम्युनिटीज ने एक बड़ा अमाउंट की जायदाद छोड़कर एक्सचेंज किया दोनों सरकारों की इस बिंदु पर उन्तीस अगस्त उन्नीस को वार्ता शुरू हो गई परंतु भिन्नता दृष्टिकोण के कारण वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला भारत का विचार था कि दोनों देश इस प्रकार की संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लें ले और शरणार्थी द्वारा प्रस्तुत दावों पर उनका मुआवजा दे दें तो भारत मानता था कि भाई जो लोगों ने संपत्तियां छोड़ी है उस पर अपना अधिकार कर लीजिए और जो जो मांग रहा है उसको हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जो छोड़ के गया है पाकिस्तान का विचार था कि एक एक संपत्ति पर अलग अलग विचार किया जाए और छोड़ी गई संपत्ति को या तो स्थानांतरित किया जाए या बेच दिया जाए इस विचार पर भारत सहमत नहीं था चौवन तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हो सका तो भारत ने निर्णय इस प्रकार की संपत्ति उन शरणार्थियों के लिए प्रयुक्त कर ली जाए जो भारत आए हैं तो भारत ने यह निर्णय ले लिया कि भाई जो भी शरणार्थी भारत आए हैं हम उनको ये संपत्ति दे, दे देंगे जो यहाँ से लोग छोड़कर गए हैं सन उन्नीस में भारत और पाकिस्तान के मध्य शरणार्थियों की अचल संपत्ति के संबंध में एक समझौता भी हुआ और सन उन्नीस में दोनों सरकारों ने शरणार्थी द्वारा छोड़े गए बैंक खाते लॉकर और स्थिर जमा खातों का स्थानांतरण करना स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम ट्रांसफर कर देंगे जो बैंक खाते हैं जो लॉकर यहां पर हैं जो पूंजी जमा है उसको हम ट्रांसफर करना शुरू करेंगे ठीक अब ये तो थी संपत्ति वाली मामला कि शरणार्थियों ने जो संपत्तियां छोड़ी हैं फिर दूसरा मामला था पुनर्वास कैसे इसको रिहेबिलिटेशन किया जाए यानी कैसे जो लोग आए हैं उनको बसाया जाए इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन की व्यवस्था को पूरी तरह की अध्यक्षता में जो इमरजेंसी कमेटी गठित की गए थी। इसके में राहत भी क्योंकि इसमें तमाम स्वयंसेवी संस्था जो वॉल्टियर वाले लोग होते हैं सामान्य जनमानस ने भी भागीदारी की लेडी माउंट बेटन ने समस्त राहत कार्य का निरंतर निरीक्षण किया फिर हुआ 1950 का नेहरू लियाकत समझौता तो स्वतंत्रता की घोषणा के तुरंत बाद घटनाओं में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक तनाव भी पैदा किया था दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार के समाचार से दोनों देशों में तनाव आ गया और अप्रैल 1950 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री की बैठक हुई तो यह पता चला कि यह कहा जाने लगा कि भारत में मुसलमानों के प्रति अत्याचार हो रहा है वहां कहा जाने लगा कि हिंदू हिंदुओं के प्रति पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है तो दोनों नेता एक दूसरे से मिले ठीक है इसमें एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसे नेहरू लियाकत समझौता कहा गया तो लियाकत और नेहरू दोनों ने मिलकर ये, ये समझौता करने का प्रयास किया इस समझौते के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को संवैधानिक आश्वासन दिया गया एक तरह का जिसको आप कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल यह आश्वासन दिया गया क्या वादा किया गया कि शरणार्थी की संपत्ति को या तो वापस किया जाएगा या स्थानांतरित किया जाएगा इसमें शरणार्थियों की जान माल की रक्षा का भी आश्वासन दिया गया कि हम इनकी जान माल की रक्षा करेंगे और ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे कि किसी के साथ अत्याचार हो ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या यानी जो चुनौती हम देख रहे थे उस चुनौती में विभाजन और शरणार्थी ये दो समस्याएं प्रबल थी अगर आप इसको समराइज करना चाहें तो ये आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक भावना नेताओं द्वारा फैलाया गया उन्माद और हिंदू मुस्लिम के अविश्वास के कारण देश का विभाजन हो गया प्लस जो अंग्रेजों के द्वारा बांटने की नीति चलाई गई इस इसमें बड़ा कारण थी इससे जो बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई वो समस्या हुई किस चीज की वो समस्या पैदा हुई शरणार्थियों की रिफ्यूजीज की और वो समस्या ये थी कि भाई इतनी भारी संख्या में यहाँ से मुसलमान भारत पाकिस्तान गए हैं पाकिस्तान से हिंदू यहाँ आए हैं सबने अपनी संपत्तियाँ छोड़ी हैं उसको कैसे डील किया जाए दोनों पर हो रहे अत्याचारों को कैसे रोका जाए तो नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1950 और ये समझौते के बाद फिर धीरे धीरे कोशिश ये की गई कि शरणार्थियों को उनके अधिकार दिए जाएँ उनकी संपत्तियाँ वापस की जाएँ और मामले को रिसर्ट मामले को थोड़ा सुलझाया जाए पर उससे भी बड़ी एक समस्या मुंह बाए खड़ी आई और सामने आई और वो समस्या आई कश्मीर की समस्या ये एक ऐसी समस्या है जो उस समय भी प्रासंगिक थी कल भी थी और आज भी है और आगे भी कोशिश की जाएगी कि इसको सुलगाया जाए लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए ये मुद्दा आनबान शान का भी है भारत के लिए मुद्दा संप्रभुता का भी है और भारत के लिए मुद्दा सत्य का भी है क्योंकि इसमें भारत का जो दावा और पक्ष है वो बिल्कुल सही है और भारत को कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर कभी भी समझौता न करने की गुजारिश पहले भी रही और आज भी और गुंजाइश भी नहीं है तो अब इस मुद्दे को समझते हैं कि भाई कश्मीर मुद्दा असल में क्या था कैसे कश्मीर न्यूट्रल रहना चाहता था और उस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती हमला किया भारत में उसका विलय हुआ और उसके बाद पाकिस्तान एक एक तरह से नाजायज जायज दा, दावा पेश करता रहा है तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे अब देखिए स्वतंत्र भारत की सभी समस्याओं में कदाचित कश्मीर समस्या सर्वाधिक जटिल है जटिल यानी जो एक तरह से हमेशा इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकल पाता इसमें ऐसा कोई रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं देता है कि हां भाई अब ये समस्या का समाधान हो रहा है अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जबरदस्ती का इसको अटकाया रहता है लेकिन खैर अब भारत को कोई फर्क भी नहीं पड़ता हां हमारा एक फर्क जरूर है कि पीओके अभी उनके कब्जे में है वो जल्दी जैसे हम निपटा लेंगे हमारे तरफ से ये खत्म हो जाएगा तो अब ये जो समस्या कश्मीर की है ये समस्या और जटिल तब होती जा रही थी, हो, या होती हुई दिखाई पड़ती है जब ये इंटरनेशनल मुद्दा बनाने का प्रयास किया जाता है भारत हमेशा ही कहता है कि भाई देखिए हमारा ये द्विपक्षीय मामला है ठीक है कि यूएन भी गए थे। लेकिन अभी भी हमारा स्टैंड है कि हमारा द्विपक्षीय मामला हम समा लेंगे दुनिया को इसमें चौधरी बनने की जरूरत ज्यादा नहीं है अमेरिका जब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको बता रहा था प्रीवियस बुक में अमेरिकी वर्षस वाले में कि अमेरिका कई बार पहले जन्मत संग्रह वगैरह को लेकर कश्मीर में जन्मत संग्रह हो जाएगी कश्मीर किधर रहेगा इस पर कभी कभी जोर डालता था पर उन्नीस के बाद उन्होंने भी अपना स्टैंड चेंज कर लिया था लगभग सात दशक पुरानी यह समस्या एक पड़ोसी राष्ट्र के साथ कटुता का कारण बनी हुई है यह समस्या संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अभी भी विचाराधीन है परंतु इसका कोई हल परिलक्षित नहीं होता 1965 में चलते इसके इसके चलते युद्ध भी हुआ है 1971 में खैर कश्मीर मुद्दा तो नहीं था लेकिन उन्नीस सौ अंठानवे निन्यानवे का जो निन्यानवे का जो कारगिल युद्ध था वो भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित एक युद्ध माना जाता है भारत एक ही बात कहता है कि कश्मीर का अंतिम रूप से विलय भारत में हो चुका है अब देखिए कहानी तो वैसे तो उसमें कई मुद्दे हैं लेकिन मैं आपको शॉर्ट में अगर देखिए समझने का प्रयास करें तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय महाराजा हरि सिंह थे महाराजा हरि सिंह ये जम्मू कश्मीर के राजा थे तो अब उस समय रजवाड़ो को यह कहा गया कि भाई जो स्वतंत्र रहना चाहे रह सकते हैं जो भारत में जाए पाकिस्तान में जाए अपना चवाइस चूज कर ले अब इन्होंने कहा कि नहीं हम स्वतंत्र रहेंगे हम किसी राज्य में शामिल नहीं होंगे तो पाकिस्तान के कबाइलियों ने मतलब उनके कबीलियों ने हालांकि उसमें पाकिस्तानी सेना का पूरा सहयोग था उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया अब जब आक्रमण कर दिया तो वो भाग के भारत के पास आए कि हमें बचाइए तो भारत ने आप कहा कि आप हमारे यहां विलय कर दीजिए आप हमसे मिल जाइए हम बचा लेते हैं इसमें कई सारे मुद्दे हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो एक लंबा मुद्दा है उसमें फिर हरि सिंह ने विलय करने के लिए स्वीकार हो गए उसमें कुछ शर्तें रखी गई जिसको धारा तीन में, में जोड़ा के साथ लेकिन भारत में विले हो गया। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है और, पर पर और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया वहां तक फिर पीओके तक कब्जा उन्होंने कर रखा था तो ये पूरा अब हमारे मानते पूरा कश्मीर हमारा है ठीक है और पूरे कश्मीर को हम लेकर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं इस पर तो हमारा अधिकार है हमें हमारे पास ये रहना चाहिए यहाँ के कश्मीरियों को भी हो चुका है कब्जा कर लिया है, दूसरी पाकिस्तान के कहना है कि 13 अगस्त 1948 तो को हुए समझौते के तहत भारत को विलय के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराना था जो उसने अभी तक नहीं कराया अब पाकिस्तान कहता है कि भारत ने कहा था कि हम कश्मीर में जनमत संग्रह कराएंगे हम वहां के लोगों से पूछेंगे कि वो पाकिस्तान में रहेंगे कि भारत में और भारत उसको अभी भी अंजाम नहीं दे रहा है उसको नहीं करा रहा है अब आता है कश्मीर समस्या का जन्म उसको देख लेते हैं थोड़ा मैं चर्चा कर रहा था तो सन उन्नीस में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देशी रियासतों के बारे में यह प्रावधान किया गया कि वह चाहे तो स्वतंत्र है या भारत या पाकिस्तान में से किसी के भी साथ सम्मिलित हो जाए कश्मीर के राजा हरि सिंह ने निर्णय लिया कि कश्मीर स्वतंत्र रहेगा कश्मीर के राजा हरि सिंह को आप देख लीजिए विभाजन के तीन दिन पहले 12 अगस्त उन्नीस को महाराजा ने भारत और पाकिस्तान के समक्ष यथा स्थिति का प्रस्ताव रखा इसका आशय था कि जैसी स्थिति वैसी बनी रहे पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया किंतु भारत ने इसे तात्कालिक रूप से अस्वीकार करते हुए महाराजा से कहा कि आप हमसे थोड़ी बातचीत करिए वार्ता करिए अब देखिए कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण कश्मीरियों ने उस पर आक्रमण किया अब क्या हुआ देखिए यथा स्थिति को स्वीकार करना पाकिस्तान के लिए दिखावा था देखिए अब क्या हुआ हरि सिंह ने कहा कि जैसी स्थिति हमें रहने दीजिए पाकिस्तान का ठीक ठीक है थीक है मान लेते हैं भारत ने कहा हमसे हमसे मिलिए हम बात करिए लेकिन पाकिस्तान दिखावा कर रहा था असल में उसको हमला करना था एक माह के भीतर ही पाकिस्तान ने अपनी ओर से कश्मीर की आपूर्ति किए जाने वाले ईंधन खाद्य पदार्थ जो पाकिस्तान से कश्मीर में आ रहे थे सब रोक दिया ठीक अच्छा आगे पाकिस्तान की इच्छा थी कि कश्मीर पाकिस्तान में विलय का निर्णय ले ले 15 अक्टूबर 1947 को 5000 सैनिकों ने कश्मीर के भीतर ओवन के किले को घेरना शुरू कर दिया और 22 अक्टूबर को घुसपैठ और कश्मीर पर आक्रमण किया।, मतलब किया था कबाइलियों ने उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ था 24 अक्टूबर को आक्रमणकारियों ने महुरा बिजली घर पर अधिकार कर लिया और श्रीनगर की बिजली उससे रोक दी गई कबाइलियों के आक्रमण से भयभीत महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता के लिए प्रार्थना की परंतु गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का परामर्श मानकर नेहरू ने घोषणा की कि कश्मीर के भारत में विलय के उपरांत ही किसी प्रकार की सैन्य सहायता दी जा सकती है तो यहां माउंटबेटन ने एक सुझाव दिया कि भाई कश्मीर से बोल दो कि तुम्हारे हिस्से में आ जाए उसके बाद हम कोई सहायता प्रदान करेंगे अब इसके बाद यह एक स्टेप बना अब स्टेप के बाद कश्मीर का भारत में विलय होता है चौबीस अक्टूबर को हरि सिंह ने निर्णय लिया कि वह कश्मीर में भारत का विलय कर दिया जाए छब्बीस अक्टूबर 1947 को विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया एकदम से एक, अप एक इसका जिसको कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया अब पाकिस्तान के जो चाल चली थी वो उसके लिए उल्टी पड़ गई पाकिस्तान के हिस्से से वो कश्मीर भी चला गया ठीक है अब देखिए भारत द्वारा यह भी कहा गया कि जब भी कश्मीर में कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो वहां से सभी आक्रमणकारी खदेड़ दिए जाएंगे तो राज्य के भारत में विलय की स्वीकृति जनता द्वारा ले ली जाएगी और तत्काल ही भारत की सेना कश्मीर भेजी गई तो कहा जब शांति स्थापित हो जाएगी तो हम पूछ लेंगे कश्मीर को कहां रहना है अभी हम कश्मीर का हिस्सा हमारा हो चुका है और हम वहां सेना भेजकर उसमें शांति करेंगे भारतीय सैनिकों की पहली टुकड़ी सत्ताईस अक्टूबर उन्नीस को हवाई जहाज से कश्मीर पहुंची इकतीस अक्टूबर को भारत में एक स्थायी अस्थायी संकटकालीन शासन लागू किया गया शेख अब्दुल्ला को उसका प्रधान बनाया गया तो उमर अब्दुल्ला जो आप देखते हैं आज शेख अब्दुल्ला ये सब उस समय और राजा के साथ भी काम करते थे तो उनको उस वहां का प्रधान बना देगा कि आप यहाँ का देख करिए पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को सिरे से खारिज किया पाकिस्तान ने कहा हम इसको नहीं मानते हैं सत्ताईस अक्टूबर उन्नीस को पाकिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की सेना से भारत में घुस जाने को कहा परंतु पाकिस्तानी सेना के ब्रिटिश सेनापति ने उन्हें बताया कि इस प्रकार की आक्रमणकारी कार्रवाई में ब्रिटिश अधिकारी भाग नहीं लेंगे अब जब सेना बटी थी तो ब्रिटिश अधिकारी भी बटे थे ना आधे पाकिस्तान में चले गए आधे भारत में चले गए तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम इसमें घुसपैठ करेंगे हम घुसेंगे पाकिस्तान में लड़ने के लिए भारत से तो ब्रिटिश वहां के जो सेनापति अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई में भाग नहीं लेंगे ये हम नहीं होने देंगे जिन्ना ने अपने प्रत्यक्ष आक्रमण का आदेश तो वापस लिया परंतु पाकिस्तान में गोपनीय तरीके से आक्रमणकारियों की सक्रियता से मदद करता रहा और यह गोपनीयता आज भी पाकिस्तान यही इस्तेमाल करता है जिसको हम लोग प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं इसमें क्या करता है डायरेक्ट आर्मी ना भेजकर वो आतंकवादियों के मुजाहिदीनों के मदद से बार बार यहां हमला करवाता रहता है जो कारगिल का युद्ध था उसमें भी उसने कहा कि हमारे सेना तो नहीं है इसमें ये तो आतंकवादी है ये तो घुसपैठ है हमारे सेना नहीं है यहां तक कि उसने सैनिकों की लाश लेने से मना कर दी क्योंकि उसमें फिर ये हो ये होता कि पाकिस्तानी सेना का आक्रमण था भारत ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड के माध्यम से कश्मीर समस्या सुलझाने का प्रयास किया माउंट बैटन ने पाकिस्तान को परामर्श दिया कि पाकिस्तान आक्रमणकारियों को सैनिक सहायता न दे पाकिस्तान इस तरह की हरकतें न करे पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में अपनी भूमिका से इंकार कर दिया यही नहीं उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय के प्रश्न को भी चुनौती दी लॉर्ड माउंट बेटन समझे गए समझ गए कि कश्मीर का मामला अब राजनीतिक मामला हो गया है ऐसी स्थिति में भारत मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय किया तो भारत ने यह सोचा कि अब ये पॉलिटिकल इश्यू हो गया है पाकिस्तान इस विलय को मान नहीं रहा भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है तो अब ये कही कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ अच्छा उसी समय नया नया बना था 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ तो इसकी विश्वसनीयता भी लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई मंच है तो वहां ले जाकर इसको सॉल्व करा लेते हैं अब ये ये पूरी समस्या आप समझ गए कि कैसे वहां पर पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण किया पाकिस्तानी सेना का उसमें सहयोग रहता था उस सहयोग के वजह से पाकिस्तानी सेना क्या की कि माउंट बैटर ने कहा कि नहीं नहीं भाई आप इसमें सहयोग मत करिए पाकिस्तान ने कहा हम इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इस विलय को नहीं मानते हैं क्योंकि भारत ने दबाव में विलय कराया है भारत कहता है कि लोगों से पूछेंगे वहां जन्म संग्रह नहीं करवा रहा इत्यादि अब जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला गया तो वहां क्या हुआ भारत ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद के तहत इस मामले को सुरक्षा परिषद को संदर्भित किया अब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग होता है सुरक्षा परिषद हमने इसको पहले भी देखा है जिसको हम क्या कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल इसमें पांच स्थायी सदस्य थे उस समय सोवियत संघ चीन अमेरिका फ्रांस है तो, और ब्रिटेन पांच सदस्य थे तो वहां पर इस मामले को ले जाया गया कि वहीं पर सुलझा लिया जाए कि क्या होगा ठीक है भारत का मानना था कि समस्या का निराकरण तभी संभव है जब पाकिस्तान आक्रमणकारियों को कश्मीर से बाहर निकाले भारत भारत द्वारा कहा गया कि स्थिति सामान्य होने पर भारत वहां की लोकप्रिय सरकार और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि की देखरेख में विलय के प्रश्न पर जनमत संग्रह करा लेगी तो भारत ने कहा कि भाई जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम वहां पर एक जनमत संग्रह करवा लेंगे हम वोटिंग करवा लेंगे और पूछ लेंगे कि कौन कहा रहेगा पहले पाकिस्तान वहां से भागे फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आयोग का गठन कर दिया गया कमीशन का गठन किया गया सुरक्षा परिषद ने विवाद की जड़ तक पहुंचने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया जिसे भारत और पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का नाम दिया गया सो यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान ये एक संयुक्त राष्ट्र ने कमीशन बनाया आयोग बनाया कि भाई आप जाके देखिए कि स्थिति क्या है क्यों ये लड़ाई हो रही है आयोग ने वस्तु स्थिति का आकलन करने के साथ ही दोनों सरकारों से वार्ता की तेरह अगस्त उन्नीस को इसने भारत और पाकिस्तान के समक्ष युद्ध विराम उसने कहा कि भाई आप सीज करिए सीज फायर करिए

पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेना हटा ले तथा कबाइलियों को भी वहां से हटाने में मदद करे खाली प्रदेश का प्रशासन आयोग के निरीक्षण में चलाया जाएगा उन्होंने कहा कि जहां तक आप सेना लेकर गए हैं वहां से पहले अपनी सेना हटाइए और जो जगह बचेगी हम उसको देखरेख अभी करेंगे अभी हम भारत को नहीं सौंपेंगे अभी उन्होंने कहा पाकिस्तान द्वारा सेनाएं हटाए लेने के बाद भारत भी धीरे धीरे अपनी सेनाएं कश्मीर से हटा लेगा और भारत सरकार कश्मीर के उन क्षेत्रों में जो उसके नियंत्रण में है उतना ही सेना रखेगी जितना वहां कानून और व्यवस्था के लिए आवश्यक हो और भारत की पांच जनवरी उन्नीस सौ उनचास को एक प्रस्ताव किया जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने और कश्मीरी से पाकिस्तानों की सेना को बाहर निकालने की बात कही गई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उपयुक्त सुझाव को व्यवहार में नहीं लागू किया जा सका लेकिन यह प्रैक्टिकली हो नहीं पाया पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से कश्मीर से सेना हटाने से इंकार कर दिया पाकिस्तान चाहता था कि दोनों राष्ट्र एक साथ सेनाएं हटाए परंतु भारत का विचार था कि कश्मीर से पाकिस्तान द्वारा अपनी सेनाएं हटाना जन्म संग्रह के पहले संग्रह है तो भारत यह कहता था कि पहले आप सेना हटाइए तब हम जन्म संग्रह का सोचेंगे पाकिस्तान कहता था नहीं दोनों एक साथ हटाएंगे भारत का यह भी मानना था कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है जबकि भारत में कश्मीर का विधिवत विलय हुआ है अब बिल्कुल ठीक बात भारत का स्टैंड देखिए पाकिस्तान जो है यहां आक्रमण करके आया है और हमारा तो विलय हुआ है तो आयोग इस बात को नहीं सुलझा सका और यह विवाद चलता रहा अब देखिए कश्मीर विवाद पर दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं क्या दोनों आर्ग्यूमेंट देते हैं कश्मीर विवाद का मूल पाकिस्तान और भारत की वैचारिक मान्यताओं में निहित है दोनों जो आइडियोलॉजिकल जो एक तरह की थिंकिंग है दोनों की उसमें यह बात समझ में आती है माइकल ब्रेचर के अनुसार कश्मीर उस वैचारिक दरार की अंतिम युद्ध भूमि है जिसने सन उन्नीस में उप के टुकड़े कर दिए यहां द्विराष्ट्र की सिद्धांत अंतिम परीक्षा में है तो टू नेशन थ्योरी यहां पर उसके विचारधारा में है पाकिस्तान क्या तर्क देता है कश्मीर को लेकर सुन लीजिए अब ये बड़े जरूरी है। पाकिस्तान द्विराष्ट्र के के सिद्धांत सिद्धांत में विश्वास करता है इस अनुसार हिंदुओं का राष्ट्र पृथक है और मुस्लिमों का पृथक अब कश्मीर की डेमोग्राफी कैसी है वहां पर हिंदू राजा था लेकिन मुसलमान वहां पे कौन थे रहने वाले थे तो अब पाकिस्तानी कहता है कि जहां मुस्लिम जनसंख्या वो भारत का हिस्सा कैसे होगी वो तो हमारा हिस्सा हुई चूंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल प्रदेश है अतय इसका विलय पाकिस्तान में होना चाहिए एक बात पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर की भारत में विलय प्रक्रिया अपूर्ण है क्योंकि भारत ने अपने वायदे के अनुसार कश्मीर में जन्म संग्रह नहीं कराया पाकिस्तान कहता है कि आपने विलय कराया तो आपने कहा था कि जन्म संग्रह कराएंगे आप जन्म संग्रह नहीं कराएंगे अगर तो आपकी प्रक्रिया हम अधूरी मानेंगे जबरस्ती की कहानी करता है तो एक तो ये दो इन्होंने आर्ग्यूमेंट पेश किए हैं कश्मीर मुद्दे पे एक कि वहां की जनसंख्या मुस्लिम है इसलिए हम इसको मुस्लिम राज पाकिस्तान में आना चाहिए दूसरा आप जनमत संग्रह नहीं करा रहे तो आपको अभी विलय पूरा नहीं माना जाएगा तीसरा पाकिस्तान भौगोलिक आधार पर भी कश्मीर पर अपना दावा प्रस्तुत करता है पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर भारत की तुलना में पाकिस्तान से अधिक निकट है पाकिस्तान की प्रमुख नदी सिंधु झेलम और चिनाव कश्मीर से निकलती है स्वतंत्रता से पूर्व कश्मीर का अधिकांश व्यापार पाकिस्तान से होता था अब देखिए <coughs> ये भी कुछ भी अब उस तरह तो पूरा पाकिस्तान ही भारत के करीब है तो आके विलय कर दीजिए पाकिस्तान कहता है कि देखो कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान से ज्यादा सटा हुआ है फिजिकल या भौगोलिक तौर पर प्रमुख नदियां हमारी सारी वहीं से निकलती हैं और आजादी से पहले भी ज्यादा से ज्यादा व्यापार इसी क्षेत्र से हमारा होता था तो ये जो आ, ये जो कारण है इसलिए ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर होना चाहिए अब भारत क्या तर्क देता है ये सुन लीजिए भारत का मानना है कि कश्मीर का भारत में विलय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल है और इंडियन और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें शामिल थे उसी के अनुकूल हमने विलय किया है इस अधिनियम के द्वारा देसी रियासतों को विकल्प दिया गया था कि चाहे तो स्वतंत्र रहें या भारत या पाकिस्तान में चले जाएं और उन्होंने चाहा उन्होंने कहा कि हम विलय करना चाहते हैं तो हमने किया तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत है भैया तो हम तो इसको मानेंगे कश्मीर का भारत में विलय अक्टूबर उन्नीस में पूरा हो गया जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत को सौंप दिया अब उसमें कोई अगर बातचीत आगे पीछे रहेगी भी तो हम समझेंगे ना आपको उससे क्या लेना देना है हमारा हमारा और कश्मीर कश्मीर का मुद्दा था हमने सुलझा लिया हमारा हिस्सा हो गया आपको इससे क्या मतलब है भारत का मानना है कि पाकिस्तान व्यर्थ में जनमत संग्रह को आधार बनाकर कश्मीर के भारत को विलय की चुनौती दे रहा है कोई इसमें लॉजिक नहीं बनता है जनमत संग्रह के आयोजन के पहले पाकिस्तान को कश्मीर में विद्यमान अपनी सेना को वापस बुलाना था परंतु पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया ठीक और भारत ये भी कहता है कि जन्म संग्रह की आप बात करते हैं हम करवा लिए होते आप सेना लेके गए ही नहीं हमें बोला आप सेना वापस ले जाओ आयोग ने भी बोला सेना आप वापस ले जाओ आपने माना ही नहीं जब संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की एक शर्त पूरी नहीं हुई तो दूसरी को पूरा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट भारत ने कहा कि आप बार बार बोलते हो कि जन्म संग्रह कराना था आयोग ने क्या शर्त रखी थी कि सेना हटाओ जन्म संग्रह होगा जब पहली शर्त आप नहीं माने तो दूसरी शर्त की बात क्यों करते हो अब बिल्कुल ठीक बात है होना भी ऐसा चाहिए और क्यों माने यार तुम्हारी शर्त होते कौन हो तुम तुम तो थर्ड पार्टी नजर आते हो बाहर से आक्रमण करके तो भारत ने ये बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत सही आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं पाकिस्तान को लेके कश्मीर को लेके फरवरी उन्नीस में कश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया ये भी बहुत स्ट्रांग क्योंकि हमने कश्मीर को अलग संविधान बनाने का फैसला एक अधिकार दिया था और वहां की संविधान सभा ने बकायदा ये जो वहां के लोग प्रतिनिधि थे भारत के नहीं थे उन्होंने ये बकायदा बोला कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं अब बताइए जो आप जनमत संग्रह जन्मत संग्रह कहते हो कश्मीर की संविधान सभा में उन्हीं लोगों के तो प्रतिनिधि थे और उन लोगों ने कह दिया कि भारत के अभिन्न अंग है तो यही नहीं कश्मीर के संविधान में यह भी उल्लेख कर दिया गया कि इस प्रावधान में भविष्य में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा अब इतना स्ट्रांग चीज उन्होंने बोला कि भैया हम अपने आप को भारत का अभिनंग मानते हैं नंबर एक नंबर दो बोला किसी कीमत पर आगे हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे हम भारत का ही अभिनंग रहेंगे अब क्या चाहते हो क्या लेना चाहते हो अब ये पाकिस्तान क्या समझे मैं क्या बोलूँ ठीक है तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स है तो इस तरह जो है ये कश्मीर का पूरा मुद्दा है जो राष्ट्र निर्माण के समय हमारे लिए एक चुनौती बना था हमें एक अपना दिमाग एक अपने एक अपनी कूटनीति उधर की तरफ भी ले जानी पड़ी जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग था और भारत के लिए चैलेंजिंग बनता भी रहा है पर हम इसे निपटाने में भी सक्षम है तो ये चीजें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है अब एक और जो चुनौती या एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात राष्ट्र निर्माण के साथ शुरू हुई वो ही रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स लेकिन किस आधार पर भाषा के आधार पर और ये एक संघर्ष भी चला देखिए जब हमारा देश आजाद नहीं था तब भी भाषा को लेकर बहुत बातचीत और डिबेट ऑलरेडी जाहिर थी ऑलरेडी चल रहा था इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे थे जो साहित्यिक चीजें भी लिखी जा रही थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए पढ़ी जा रही थी वो भी अलग अलग भाषाओं में थी अलग अलग संस्कृतियों का मिलाप था वहां पर और तब भी कांग्रेस ने भाषा के आधार पर अपनी कुछ कमेटियां भी गठित की थी और ये भी लोगों में एक आश्वासन था कि जब देश आजाद होगा तो भाषा के आधार पर न्याय किया जाएगा या स्टेट्स बनाए जाएंगे लेकिन उसके अलावा संविधान सभा जब में हमारे संविधान बनाया जा रहा था उस समय भी हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी होगी इस पर बहुत तगड़ी बहस थी जैसे भारत में गांधी चाहते थे हिंदुस्तानी हो कुछ लोग चाहते थे उर्दू हो कुछ लोग चाहते थे हिंदी हो इस तरह के कुछ लोग इंग्लिश तो इस तरह के डिबेट बहुत जाहिर थे लेकिन ये जो डिबेट या ये जो एक तरह से कह सकते हैं आप विवाद है भाषा को लेकर ये आजादी के बाद भी पूरी तरह हल नहीं किया जा सका इसकी डिमांड और इसकी इसका इसका कहीं कहीं ना वीजारोपण चलता जा रहा था तो राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकता सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी अब वो क्यों हुई और फिर वो उसमें भाषा कहां से आया अब लगभग 500 से ज्यादा क्या थे प्रिंसली स्टेट से जब भारत की आजादी हुई मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए ये सपोर्ट भा, अगर भारत का ये नक्शा है ऐसे अगर आप रफली सोचें तो यहाँ ब्रिटिश इंडिया है तो यहाँ कोई एक निज़ाम था एक रियासत थी कोई इधर एक रियासत थी कोई एक इधर एक रियासत थी यानी जिस भारत की आप कल्पना कर रहे हैं उसमें जो भारत देश का ब्रिटिश इंडिया था वही भारत को मिला था बाकी रियासतें तो मिली नहीं थी रियासतों को तो खुली छूट थी अब यहां ये इंपॉर्टेंट था कि भाई फिर रियासतों का विलय किया गया तो यूनिफिकेशन या एकीकरण देश का करने के लिए एक अलग अलग स्टेट का डिवीजन और अच्छे से बाउंड्री खींचना यह जरूरी था और इसलिए फिर राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई कि भाई ये मध्य प्रदेश रहेगा ये महाराष्ट्र रहेगा ये उत्तर प्रदेश रहेगा इस तरह के राज्यों की कर, पर, परिकल्पना शुरू हुई जब राज्यों की परिकल्पना शुरू हुई तो ये बात उठकर बहुत तेजी से सामने आई कि ये जो राज्य आप बना रहे हैं पर इसका को बना उस समय की सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन नतीजा बदलना पड़ा तो देशी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण एक, एक तात्कालिक व्यवस्था थी इस बात की आवश्यकता को सभी वर्गों द्वारा महसूस किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन की आवश्यकता है तो ये बात तो ठीक है कि जो रियासतें थी उसको आपने देश में मिला लिया लेकिन ये बात सभी मानते थे कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन है आपको एक स्टेट या राज्य ठीक से बनाने पड़ेंगे इसी समय दक्षिणी राज्यों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी लोग कहने लगे भाई कि हमें राज्य को आप आप करिए बताइए जैसे आज आप देखते हैं ना कि तेलंगाना एक राज्य है आंध्र प्रदेश एक राज्य है केरल एक राज्य है तो ये राज्य बनाए जाए इसकी मांग तेज होने लगी संविधान सभा द्वारा जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसी समय भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग संविधान सभा में ही उठने लगी अब जाहिर सी बात है जो नेता या जो लोग दक्षिण भारत से संविधान सभा में आकर जुड़े हुए थे वो वहां की आ, वहां की भावनाओं को तो जागृत करेंगे कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाइए जून 1948 में संविधान सभा द्वारा भाषाई प्रांत आयोग जिसको कहा गया लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन का गठन किया गया और जिसका अध्यक्ष ए एस दर को बनाया गया उनसे कहा गया भाई आप भाषा के आधार पर जो राज्य की बातचीत चल रही है इस पर थोड़ी जांच करिए थोड़ी इस पर निकालिए कि भाई क्या है इसका क्या परिणाम हो सकता है दर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों की गठन या पुनर्गठन से असहमति जताई ये यहाँ पर था तो जो दर आयोग बनाया गया उस दर आयोग ने कहा कि नहीं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ठीक नहीं है इससे देश की जो एकता अखंडता है इस पर खतरा पैदा हो सकता है या इससे भविष्य में फिर तरह तरह की और मांगे उठने की आशंका जताई जा सकती है तो उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमें भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए आयोग ने राज्यों के गठन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रशासकीय सुविधा देने की बात की उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक uh, या लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट वेदर द वेर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस शुड बी क्रिएटेड शुड बी टेकन एज अ बेसिस ऑफ मेकिंग ऑफ स्टेट्स यानी उन्होंने कहा कि भाषा को आधार बनाकर आप राज्य मत बनाइए प्रशासन को आधार बनाकर बनाइए कांग्रेस ने इस प्रकरण पर विचार करने के लिए अपनी एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया अब दर आयोग के बाद फिर कांग्रेस कांग्रेस ने अपनी एक अलग मीटिंग बताई क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले बताया ना कि वाइड फैली हुई थी कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता दक्षिण भारत से थे और कांग्रेस ने भी पहले भाषा के आधार पर बहुत सारी कमिटियों का गठन किया था तो इन्होंने फिर एक कमेटी बनाई कि भाई देखते हैं इस पर क्या निर्णय होता है तो इस समिति के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभि सीतारामैया तो ये तीन लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई कि तीन लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई भाषा के आधार पर क्या किया जाए तो संक्षेप में इसे जेवीपी कमेटी कहा जाता है यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारामैया और इस समिति ने सैद्धांतिक आधार पर आयोग की सिफारिश का समर्थन किया तो इन्होंने अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सैद्धांतिक आधार का मतलब क्या हुआ आइडियोलॉजिकली प्रैक्टिकली वो खड़ा होकर नहीं कह रहे थे कि नहीं नहीं भाषा की कोई जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि जो ये आयोग कह रहा है ये सिद्धांतिक आधार पर ठीक है कि भाई अगर भाषा पे हम किस तरह स्टेट बना सकते हैं क्योंकि उनको जन भावनाओं का ध्यान तो रखना ही था अगर एकदम से बोलते कि नहीं नहीं ये तो बेकार की मांग है गलत की मांग है ऐसा नहीं तो सैद्धांतिक आधार पर जो कमेटी थी उसकी सिफारिश का सपोर्ट किया यद्यपि समेत ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा कि यदि जनमानस भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का इच्छुक है तो यह किया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट बात है देखिए इसको कहते हैं ना नेतागिरी या बैलेंसिंग करना तो उन्होंने जो जो एक तरह से सिद्धांत या रूल के रूल बुक के हिसाब से अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए जो समिति दर आयोग ने कहा है कि भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए राज्य ये बात तो ठीक दिखाई पड़ रही है पर अगर जन या लोगों की बातें आ रही हैं समझ में लोगों अगर लोगों की यह भावना है तो हम एक आध स्टेट ऐसा बना भी सकते हैं ठीक है थीके? ये बैलेंस करने वाली बात थी जेवीपी समिति ने मद्रास राज्य से भूखंड काटकर आंध्र प्रदेश के नए राज्य निर्माण का सैद्धांतिक समर्थन किया अब उसमें तो मद्रास भाई उस समय ब्रिटिश भारत में तीन महत्वपूर्ण प्रोविंस हुआ करते थे एक होता था बंगाल एक मद्रास और एक बॉम्बे प्रोविंस तो उन्होंने कहा कि मद्रास से काटकर एक आंध्र प्रदेश बना दिया जाए हो सकता है ये कोई बहुत नहीं है यही वह बिंदु था जहां से आगामी तीन वर्षों में राज्यों के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त उठापटक शुरू हुई और इसके चलते अंततः सरकार ने राज्य पुनर्गठन आया दिस राज्य राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए तो अब यहां से फिर क्या हुआ तरह तरह के विरोध प्रदर्शन तरह तरह की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तरह तरह की बातें होने लगी और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया जहां से ये बात होने लगी कि अब राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है अब इसमें सबसे पहले आया आंध्र प्रदेश का जन्म यानी आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था इस बात का ध्यान रखिएगा तो तेलुगु भाषा भाषी लोगों के लिए एक नए राज्य गठन की मांग बहुत पुरानी थी। तेलुगु लोगों की आमरण अनशन की घोषणा कर दी तो पोट्टी श्रीमालू ने कहा कि जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक अनशन करेंगे आप मद्रास प्रांत को काट के एक नया आंध्र प्रदेश राज्य बनाइए तेलुगु बोलने वाले लोगों का श्रीमालू की इस में मृत्यु भी हो गई पूरे क्षेत्र में हिंसक आंदोलन और अराजकता फैली मजबूरी सरकार को आंदोलनकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ी और उन्नीस में तत्कालीन मद्रास राज्य से भूमि काटकर नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की आगे तो श्री मालू ने आंदोलन आमरण किया उस अनशन में उनकी मृत्यु हो गई जब मृत्यु हुई तो हिंसा भड़क गई और तब सरकार को 1953 में ठीक है हम एक आंध्र प्रदेश की यहां पर स्थापना करेंगे अब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात अगर कर ले अब देखिए तो हम पढ़ते रहे रहे चुनौतियों में कि राष्ट्र निर्माण जब हम करने का प्रयास कर रहे थे तो किस तरह के हमारे हमारी चुनौतियां हैं कई चुनौतियों में ये जो लिंग्विस्टिक भेदभाव है जब भाषा के आधार पर स्टेट बनाना इसको लेकर अफरा तफरी बचना ये भी एक चुनौती थी जिस तरह विभाजन एक चुनौती चल रही थी जिस तरह सांप्रदायिक हिंसा एक चुनौती थी जिस तरह गरीबी और आर्थिक जो हमारी समस्याएँ एकदम बढ़ चुकी थी वो एक चुनौती थी उसी तरह ये भी एक चुनौती दिखाई पड़ रही थी भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना ने कन्नड़ भाषा भाषियों की उस मांग को जन्म दिया जिसमें वे पुराने मैसूर राज्य को बंबई तथा तो हैदराबाद के कुछ भागों को मिलाकर नए राज्य की स्थापना कर रहे थे अब यह एक नई तरह की मांग आ गई देखिए राज्यों के पुनर्गठन की सुनाई पड़ने लगी ठीक तो अब ये जो कर्नाटक वाला पूरा एरिया था ऐसे स्थिति में 29 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया मैंने आपको पहले बताया कि 1953 में स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था यह आप नोट कर लीजिएगा ठीक है ना इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फजल अली को बनाया गया और हृदयनाथ कुंजरू और के एस पड़िकर को इस आयोग का सदस्य बनाया गया एक तो कांग्रेस ने संविधान सभा बनाते समय एक मतलब संविधान सभा की तरफ से एक दर आयोग बनाया गया था जो भाषा के आधार पर स्टेट बनाया कि नहीं इसकी रिपोर्ट देनी थी जिसने मना कर दिया कि नहीं बनाना है बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग उन्नीस में बनाया गया जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया फजल अली को बनाया गया ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक अब आयोग की रिपोर्ट क्या देख लीजिए आयोग ने तीस सितंबर उन्नीस को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दो पृष्ठों की रिपोर्ट में आयोग ने भारत के राजनीतिक मानचित्र के पुनर्निर्धारण में सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रीय एकता ठीक को देने की बात की नेशनल यूनिटी तो इस आयोग ने ये बोला कि भाई हम स्टेट को बनाने की बात तो कर रहे हैं लेकिन उस स्टेट जो अलग अलग राज्य हैं उनको बनाने में सबसे बड़ी प्राथमिकता हमें देनी पड़ेगी नेशनल यूनिटी को यानी राष्ट्रीय एकता को अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि, कि किसी भी हिसाब से आप राज्यों को बनाइए राष्ट्र की एकता अखंडता टूटनी नहीं चाहिए ठीक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय भावनाएं और राष्ट्रीय हित के मध्य संतुलन स्थापित करने की भरपूर कोशिश की दो बातें होती हैं एक होता है रीजनल एस्पिरेशन एक होता है नेशनल इंपॉर्टेंस ठीक है तो अब ये बोला कि भाई जो राष्ट्रीय हित है वो भी देखे जाए और जो क्षेत्रीय एक तरह से कह सकते हैं भावनाएं है, उनका ख्याल रखकर बैलेंस किया जाए परंतु आयोग ने यह स्वीकार किया कि भाषाई एक रूपता प्रशासनिक कर्मठता में सहायक हो सकती है यह बात उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि अगर आप कहीं भी अगर आप प्रशासन चलाना चाहते हैं और वहां पर अगर एक जैसी भाषा है तो प्रशासन चलाने में आसानी होगी जैसे एग्जाम्पल के लिए आप आंध्र प्रदेश के आधे लोगों को उत्तर प्रदेश के आधे लोगों के साथ मिला के एक, एक स्टेट बना दीजिए और वहां एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए क्या यह आसान है नहीं है है ना भाई आधे लोग हिंदी आधे लोग लोग हिंदी समझेंगे हो सकता है, तो अब ये दोनों लोगों को एक जैसे कि भाई अगर आप प्रशासन बढ़ाना चाहते हैं सो लैंग्वेज यूनिटी ग्रेटर की फॉर यू तो आयोग ने सैद्धांतिक दृष्टि से यह भी स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में सामान्यता भाषाई तत्वों को ध्यान में रखा जाए तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था आ, फजल के नेतृत्व में ठीक है ना फजल अली के नेतृत्व में उन्होंने बोला कि भाई हमें भाषा को भी ध्यान में रखकर राज्यों को बनाना चाहिए अब आयोग द्वारा संस्तुत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो आयोग ने क्या प्रस्तुति की आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सोलह राज्य और तीन शासित प्रदेशों की बात की है ध्यान रखिए तो शुरू में जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन था अब देखिए हमारे सामने चुनौती क्या नए नए आजाद हुए हैं और हमारे पास चुनौती है कि हम देश में राज्यों को कैसे बनाए तो हमने फजल अली के नेतृत्व में आयोग बनाया उन्होंने कहा कि हमारे देश में सोलह राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश इस, इसको नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिएगा आप जरूर ऐसे आप नोट बना सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना दिसंबर उन्नीस कौन अध्यक्ष था फजल अली अध्यक्ष क्या संस्तुति की सोलह राज्य तीन यूनियन टेरेटरी यानी सिक्सटीन स्टेट्स एंड थ्री यूनियन टेरेटरीज ये इन्होंने क्या किया था ये इन्होंने संस्तुति की थी ये इन्होंने आग्रह किया था राज्य कौन कौन से किए थे ध्यान से समझ लीजिए आंध्र प्रदेश असम बिहार उस बिहार में पूरा झारखंड वाला इलाका सब शामिल था बंबई, हैदराबाद ये गोवा उसी में था जम्मू कश्मीर कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश उड़ीसा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश विदर्भ तो जो ये पूरा महाराष्ट्र के पास पश्चिम बंगाल ये उन्होंने कुल सोलह राज्यों की बात की थी ठीक केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली मणिपुर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कुल मिलाकर तीन उन्होंने यूनियन की की बात की थी ये ध्यान से समझिए दीज आर वेरी वेरी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया था उन्नीस में उन्होंने कुल 16 राज्यों और तीन शासित प्रदेशों की बात की थी और ये वो सोलह राज्य थे समझ लीजिए आप ठीक अब आगे देखते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ इस राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को सही रूप कानूनी रूप देने के लिए क्या बनाया गया राज्य पुनर्गठन आय अधिनियम देखिए होता है क्या है जैसे मान लीजिए कोई आप चीज करना चाहते हैं देश में तो उससे उसको लेकर एक बिल आता है ठीक ये बिल क्या होता है पार्लियामेंट में आता है है ना मसौदा तैयार करके और जब बिल को पास कर दिया जाता है तो वो एक्ट बनता है यानी अधिनियम या कानून बन जाता है तो ये कानून पास किया गया ठीक तो सरकार ने आयोग की रिपोर्ट में किंचित संशोधन करते हुए थोड़ा बदलाव कर दिया जैसे हैदराबाद कोई स्टेट नहीं बनाया 16 जनवरी 1956 को इसे स्वीकार कर लिया सरकार द्वारा आयोग की जिन संस्तुतियों को स्वीकार किया गया वो क्या थे केरल मध्य प्रदेश और कर्नाटक के नए राज्यों की स्थापना की जाए ठीक ये नए राज्यों की स्थापना की बात की गई अब मद्रास राजस्थान उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा और असम यथावत बने रहेंगे तो ये जो राज्य थे ये ज्यो के त्यो बने रहेंगे इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए ये क्या गया कि महाराष्ट्र में बंबई मध्य प्रदेश और हैदराबाद के जो मराठी भाषी क्षेत्र थे वो महाराष्ट्र में चले गए तथा गुजरात में गुजरात और सौराष्ट्र तथा बंबई के गुजराती भाषी क्षेत्र को सम्मिलित किया गया यानी यह किया गया कि जितने मराठी वाले क्षेत्र थे वो महाराष्ट्र में चले गए चाहे वो गुजरात के हों चाहे हैदराबाद के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों यहां पे हो गए मराठी वाले क्षेत्र और जितने गुजराती क्षेत्र थे वो गुजराती बोलने वाले क्षेत्र थे वो गुजरात में किया गया यानी जो पुनर्गठन आयोग ने कहा था कि भाषा का विशेष राज्य ख्याल रखना है उस बात का ख्याल रखते हुए भाषा वाला जितना एक रूपता वाले लोग थे उनको एक साथ ऐड कर लिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम नवंबर 1956 को प्रभावी हो गया अधिनियम में चौदह राज्य और छह शासित प्रदेशों की स्थापना के लिए संस्तुति हो गई तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने तो सोलह राज्य के लिए बात की थी लेकिन यहां पर क्या हो गया चौदह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने ठीक है अब इन जो बन गए राज्य वो देख लीजिए कौन कौन से बने आंध्र प्रदेश असम बिहार बंबई जम्मू कश्मीर केरल मध्य प्रदेश अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख और जम्मू वाला मद्रास मैसूर उड़ीसा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल <coughs> ये चौदह राज्य शुरू में बनाए गए ध्यान रखिए आयोग ने सोलह राज्य की बात की थी हैदराबाद भी शामिल था यहां पर चौदह राज्य ये बनाए गए इसको आप ध्यान समझ लीजिए कानूनी वैधता मिली केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार का पूरा जो द्वीप समूह है दिल्ली उस समय हिमाचल प्रदेश लक्षद्वीप मिनीकॉय अमी, द्वीप समूह मणिपुर और त्रिपुरा ये कुल मिलाकर छह शासित बने बाद में मणिपुर त्रिपुरा हिमाचल सब फुल स्टेट में आ गए तो ये छह शासित प्रदेश बनाए गए थे तो चौदह राज्य छह शासित प्रदेशों को उस समय क्या हुआ मान्यता प्रदान की गई अब जरा सा उस पूरे रूपरेखा को देख लेते हैं जो स्टेट रियोगेनाइजेशन या पुनर्गठन का पूरा मामला चला था सन 1960 में बंबई को विभाजित करके महाराष्ट्र तथा गुजरात के रूप में दो नए राज्य बनाए गए उन्नीस में नागा पहाड़ियों को शामिल करते हुए नागालैंड के रूप में नए राज्य की स्थापना की भी दो पार्ट में था पहले से गुजराती भाषा गुजरात क्षेत्र मराठी भाषा महाराष्ट्र क्षेत्र पर राज्य एक था बाद में फिर एक महाराष्ट्र अलग राज्य कर दिया गया और गुजरात अलग राज्य कर दिया गया उन्नीस में फिर नागा पहाड़ियों को शामिल करते हुए नागालैंड के रूप में नए राज्य की स्थापना की गई और इसको क्या किया गया था असम से काटकर बनाया गया था अभी भी ये डिस्ट्रिक्ट्स और एरिया को लेकर नागालैंड असम में थोड़ी बातचीत चलती रहती है 1966 में पंजाब से काटकर हरियाणा के रूप में नए राज्य बनाया गया और जाहिर सी बात है पंजाब और हरियाणा पूरा जो एक था उसमें भी भाषा का बड़ा अंतर है अगर आप हरियाणा में अंबाला तक जाएंगे मतलब दिल्ली से अगर आप बढ़ेंगे जिंद रोहतक है ना ये पूरे करनाल होते हुए जब आगे आप बढ़ेंगे अंबाला तक तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा एक तो जो डेमोग्राफी है वो बहुत मैदानी थी मैदानी है दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ हरियाणवी भाषा है यानी खड़ी हिंदी वाली भाषा है ऐसा वो बोलते हैं ठीक है लेकिन पंजाब में क्या है शुद्ध रूप से पंजाबी वाली भाषा है तो ये डिवाइड करके अलग किया गया 1971 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया तो 71 में क्या हो गया राज्य बन गया उन्नीस में असम का पुनर्गठन किया गया और तीन नए राज्य मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना की गई पहले एक तरह से जो पूरा नॉर्थ ईस्ट था ना वो सब असम राज्य जैसा ही था लेकिन बाद में फिर काट काट के नागालैंड मेघालय त्रिपुरा सारे राज्य वहां पर बनाए जाने लगे

तेलंगाना जिसको आंध्र प्रदेश से काटकर स्टेट बनाया गया फिर रिसेंटली हमने क्या किया जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको दो भाग में बांटकर जम्मू और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए तो ये लगातार परिवर्तन भारत में होता रहा है और किया जाता रहा है ठीक तो अगर आप स्वतंत्र भारत में नए राज्यों को देखें तो तिरपन में आंध्र प्रदेश इकसठ में नागालैंड छाछठ में हरियाणा इकहत्तर में हिमाचल बहत्तर में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जामिनेशंस में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ध्यान रखिए फिर 1975 में सिक्किम छियासी में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और 1987 में फिर गोवा बनाया गया सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काटकर मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ और बिहार से काटकर झारखंड तीन स्टेट नए 2000 हजार बनाए गए और 2014 में तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया गया ये इंपॉर्टेंट अपडेट है इस बात का आप ध्यान रखेंगे ठीक है फिर 2019 में हमने एक राज्य को केंद्र शासित में डिवाइड किया वो है कौन सा जम्मू कश्मीर तो कुछ केंद्र शासित ऐसे प्रदेश भी इनको भी ध्यान रखिए जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं कुछ ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं यह भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है तो ये जो केंद्र शासित हैं जहां पे विधानसभाएं हैं ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ध्यान रखिएगा तो इसमें एक जैसे आपका दिल्ली है आर्टिकल 239 थर्टी ए ए भारत के संविधान का एक है पौंडीचेरी या पुद्दुचेरी जिसको आप कहते हैं ठीक है और अभी हमने एक कौन सा बना दिया है जम्मू जम्मू कश्मीर जो है उसके अलावा जो लद्दाख है उसकी विधानसभा नहीं होगी पर ये तीन केंद्र शासित प्रदेश होंगे जिनकी अपनी विधानसभाएं होंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे ये पूछे जाते हैं आपसे तो ये राज्य है इनको आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं आंध्र प्रदेश नागालैंड हरियाणा हिमाचल बहत्तर में ये आए पचहत्तर छियासी सतासी दो हजार ठीक है अब सन उन्नीस में अरुणाचल प्रदेश के रूप में नए राज्य की स्थापना हुई ठीक ये भी सब आप नोट डाउन करते चलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 87 में गोवा नया राज्य बनाया गया महाराष्ट्र के वाला सन 2000 में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना की गई और 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन्स हैं इसे आप जरूर नोट डाउन करेंगे दीज क्वेश्चंस में भी आस्क एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये हमारा कुल मिलाकर एक नया चैप्टर था जिस चैप्टर को हमने आ, समझने का प्रयास किया कि भारत में नियोजित आ, जो विकास है वो किस तरह से आ, किया जा गया ये तो खखरा माला चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले चुनौतियां क्या क्या आएंगी जब हम राष्ट्र निर्माण करने की सोच रहे थे तो कैसे हमारे देसी रियासतों की समस्या कश्मीर की समस्या भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या एंड कैसे हम उसको एड्रेस हमने किया कैसे उससे हम बाहर निकले ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी आई होप के चैप्टर आपको समझ में आया होगा इसमें कोई डाउट या परेशानी हो तो उसे आप जरूर बता दीजिएगा और बार बार चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसी एक ऐसा पूरा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसके कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे YouTube प्लेटफॉर्म वेबसाइट या एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सातवीं से बारहवीं की पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में और बाकी के तक पूरा इंग्लिश माध्यम में पढ़ सकते हैं इसके है, जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ क्या क्या नई नई चीजें आ रही है वो आप जानने के लिए हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जरूर जुटिए ताकि जो जो नए नए अपडेट्स आए वो आपको वहां से जानकारी मिलती रहे आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोज आप तक लाते रहें और आपकी शिक्षा को और आसान बनाते रहें तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ तब तक, तक अपना बहुत ध्यान रखिए टेक केयर बाय बाय